Hello everyone, this is Shivani Singh. We faced some network issues. I hope that I'm visible to you now, and I hope you're able to, we are able to connect through this thing now. I am so sorry for the network issues that we have faced. I hope that you're able to see me now. And right, so bahut lag hai. This is the new link. Yes, this is the new link. Please share it with your friends. All good. Thank you so much. Good evening, everyone. It's so good to see you all again. I was so worried ki yaar net chala gaya, ab kya hoga? But thank you so much for being here. Right. Good evening everyone, Jai Hind. I hope you all are doing good, and quickly share this new link with your friends, invite them over that we are here with today's GK marathon. Aur aaj ki marathon mein actually hum history ke sare static questions karne wale hain, kyunki history ka kaafi weightage hota hai FCAT mein, theek hai? So quickly tell your friends that we are here, I am that live with you now. All right, just tell your friends. And right, so हाँ, जो क्वेश्चन आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा है उसका आंसर डी है, मोहसिन राम. ठीक है, चेहरा पूंजी मत करना. ये वाला क्वेश्चन इफ कैट में आ चुका है. सिमिलर टू दिस क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं ड्राइएस्ट प्लेस इन इंडिया, ठीक है, लार्जेस्ट डेजर्ट, डेजर्ट या स्टफ लाइक दैट, दे कैन आस्क इन इफ कैट. सो बी श्योर दैट यू कवर क्वेश्चन लाइक दीज. ऑल राइट, okay, so I see a lot of you here, so welcome or welcome back to Insight SSB's YouTube channel. I am Shivani Singh live. We faced some technical glitch just a few minutes ago, but I'm so happy to see you all here. Good evening. जल्दी से अभी अपने दोस्तों को बुला लो सो दैट वी कैन स्टार्ट दिस सेशन एंड ऑल्सो लाइक दिस सेशन. ठीक है, जितना ज्यादा लाइक करोगे उतने ज्यादा आपके फ्रेंड्स को पता चलेगा कि ये सेशन यहाँ पे चल रहा है. ठीक है, हाइएस्ट रेनफॉल वेन यू कंपेयर श्रद्धा तो मौसम ड्रम की ज्यादा है. ठीक है, लद्दाख, यस यस. सो क्वेश्चंस लाइक दैट कैन कम. ठीक है, इसका आंसर मोहसिन राम है, डोंट कंफ्यूज इट विद चेरापुंजी. चेरापुंजी वाज ओल्ड, द न्यू आंसर इज मोहसिन राम नाउ. ठीक है, गुड इवनिंग एवरीवन. ठीक है, काफी लोग आ गए हैं. आज हम जीएस की मैराथन करने वाले हैं एंड आई नो कि जीएस को लेके काफी लोगों को बहुत ज्यादा इश्यूज होते हैं, नहीं समझ आता है कि जीएस को कहाँ से कितना करना है कितना नहीं. मैं आज हिस्ट्री के स्पेसिफिक क्वेश्चंस लेके आई हूँ, लास्ट में थोड़े से मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं एंड एट द एंड आई विल टेल यू द सर्टेन टॉपिक्स जो भी आप लास्ट डे में कवर कर सकते हो. ठीक है, अभी तक वैशाली मैम ने आपके साथ स्पोर्ट्स कवर कर लिया है, अवार्ड्स कवर कर लिए हैं, आज शाम को ही उन्होंने हिस्ट्री की भी, स्टैटिक हिस्ट्री की भी एक बहुत अच्छी वीडियो डाली है. अगर आपने वो वीडियो देखी है, इफ यू हैव सीन दैट वीडियो, यू विल बी एबल टू आंसर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस दैट आई एम गिविंग हियर टुडे इन दिस मैराथन. ठीक है, और अपार्ट फ्रॉम द क्वेश्चंस, मैं बीच बीच में जहां मुझे लगेगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जहां से और क्वेश्चंस बन सकते हैं इन द एग्जाम, आई विल बी शेयरिंग दैट विद यू. ठीक है, वट एवर आई हैव स्टडीड बेसिकली आई एम शेयरिंग विद यू, दैट इज ऑल. ठीक है, यस, यू कैन सी एवरीथिंग. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, शैल बी. ओके, आई एम पुटिंग द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, यू हैव टू क्विकली टेल मी कि इसका आंसर क्या होगा. जल्दी से बता दो मुझे इसका आंसर क्या होगा, इफ यू कैन सी द क्वेश्चन. ओके, क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं, हु स्टार्टेड द साक एरा विच इज यूज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज द नेशनल कैलेंडर. ठीक है, नेशनल आइडेंटिटी के लिए जो भी चीजें इंपॉर्टेंट है वो जरूर पूछते हैं एग्जाम में. ठीक है, यस, सो आई एम गेटिंग आंसर्स अभी. ओके, दोज हु आर सेइंग इट्स कनिष्क बी आर एब्सोल्युटली करेक्ट हियर. ठीक है, साक एरा जिसने शुरू किया था दैट इज कनिष्क. ठीक है, ही वाज अ कुशान, सॉरी कुशान रूलर. ठीक है, कुशांस इम्पॉर्टेंट है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि उनके उनसे रिलेटेड ये चीज़ें हैं कि सिल्क रूट में उनका इन्वॉल्वमेंट था. ठीक है, और कनिष्क काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कनिष्क को सेकेंड अशोका भी कहा जाता है. ऑलराइट, सो दिस इज लाइक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन विच माई, क्योंकि उनको एफ कैट में पूछना होता है आपसे. ठीक है, विच टॉपिक इज दिस, वी आर कवरिंग यू नो हिस्ट्री टूडे, हिस्ट्री, स्टैटिक हिस्ट्री विल बी डूइंग टूडे. Or there are certain other points that I have to bring to your notice before proceeding to the next question. ठीक है, what are these things? जो भी हमारी national identity से related चीज़ें हैं वो FCAT वाले उनमें से एक चीज़ ज़रूर पूछेंगे. अब national identity में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, हमारा national flower, national tree, national anthem,
और नेशनल एम्बलम, ठीक है। जब कैलेंडर, मैंने कैलेंडर वाला क्वेश्चन क्यों डाला, क्योंकि हमारा नेशनल कैलेंडर इज बेसिकली यू नो बेस्ड ऑन साक एरा, और साक एरा का जो स्टार्ट है दैट वॉज दैट इज रिलेटेड टू कनिष्क, ठीक है। इसीलिए आई हैव गिवन यू दिस क्वेश्चन। क्वालिटी इज नॉट ओके, just quickly tell me, because I'm really confused about my internet connection today, so I'm quite worried about that, and even I'm not able to focus on the questions. Just quickly tell me, is the quality okay? Yes, the quality is not good. It is okay, it's fine. Maybe try changing the quality from your end. Apna YouTube video ka theek kar lo, theek hai? It is good, it's fine, okay, thank you, ठीक है। तो अब हम इन questions पे focus कर लेते हैं ना। First question that I gave you, Sark era national calendar, ठीक है। National calendar के अलावा और चीज़ें क्या important है? हमारा national emblem बहुत important है, ठीक है। एक बार calendar से question आ जाता है, किसी batch में emblem से question आ जाता है, but कुछ ना कुछ national identity related question एक आएगा ही। अब national emblem related questions कैसे हो सकते हैं? National emblem related questions ऐसे हो सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे question दे दिया कि सत्यमेव जयते विच इज इंस्क्राइब्ड ऑन द नेशनल एम्ब्लम हैज बीन अडॉप्टेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। आपको उस उपनिषद का नाम मुझे बताना है जिससे सत्यमेव जयते उठाया गया है, ठीक है। जस्ट क्विकली टेल मी, यू आर टेलिंग मी सी, ऑल राइट, सो यस टेलिंग मी सी, इट इज मुंडका उपनिषद, दैट इज एब्सोल्यूटली करेक्ट। अब उपनिषद पर से हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, वैसे हमारे 108 उपनिषद हैं, राइट, बट वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। मैंने ये क्वेश्चन क्यों डाला है, क्योंकि नेशनल एम्ब्लम इम्पॉर्टेंट है। सो लेट्स क्विकली सी नेशनल एम्ब्लम रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हमें क्लियर होनी चाहिए। फर्स्ट चीज़ जो नेशनल एम्ब्लम है, इसको हमने देख लिया कि इन्होंने इसको मुंडक उपनिषद से उठाया हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दैट, यहाँ ऊपर आपको पिक्चर में 3 लॉयंस दिख रहे हैं, बट ये एक्चुअली 4 लॉयंस हैं, ठीक है। मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते उठाया हुआ है, बट ये नेशनल एम्ब्लम एक्चुअली अडाप्ट किससे किया हुआ है? ये अडाप्ट किया हुआ है सारनाथ लायन कैपिटल, सारनाथ लायन कैपिटल ऑफ अशोका, ठीक है। सो यू शुड बी नोइंग दिस, सीधा क्वेश्चन आता है, पता है, सीधा क्वेश्चन आ जाएगा ऐसे कि सारनाथ लायन कैपिटल ऑफ अशोक, यू सी इट इन क्वेश्चन और इन द ऑप्शन, और आप आसानी से आंसर कर पाओगे। नाउ इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है कि यहाँ पे 4 लॉयंस होते हैं फेसिंग यू नो ऑल दी 4 डायरेक्शंस बेसिकली। नीचे जो ये अबैकस है, दिस इज कॉल्ड द अबैकस, अबैकस पे होता है बुल, हॉर्स, एलिफेंट और लायन, ठीक है। और इनके बीच में होते हैं ये व्हील्स, ये व्हील्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ नीचे जो ये आपको दिख रहा है, दिस इज लाइक अ लोटस, दिस इज बेसिकली अ लोटस, अ बेल शेप्ड लोटस, ठीक है। और नेशनल एम्ब्लम में ये बेल शेप लोटस एज सच यूज नहीं किया जाता है, जहाँ भी प्रिंटेड होता है सिर्फ अबैकस और उससे ऊपर का पार्ट यूज किया जाता है। तो आपको सिर्फ ये बेसिक चीजें पता होनी चाहिए यहाँ पे कि ओरिजिनली देर आर 4 लॉयंस माउंटेड ऑन दिस अबैकस, ठीक है, जिस अबैकस पे होता है एलिफेंट, हॉर्स, बुल और एक लॉयन, और ये सेपरेटेड होते हैं बाय व्हील्स, और नीचे होता है एक बेल शेप लोटस। अपार्ट फ्रॉम दैट, यू ऑल्सो शुड बी नोइंग कि ये जो एम्ब्लम बनाया जाता है, ये एक सिंगल स्टोन होता है पॉलिश्ड सैंड स्टोन का, ठीक है, सैंड स्टोन के पॉलिश्ड स्टोन के ऊपर इसको कार्व आउट किया जाता है। सो दीज थिंग्स यू शुड बी नोइंग, नो 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 बडी इज लेट, वी आर स्टिल डूइंग, ठीक है। सो जो और जो ये चक्र होता है, इसको धर्म चक्र कहा जाता है, ठीक है। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स अबाउट नेशनल एम्ब्लम। अपार्ट फ्रॉम दैट, हमारे और नेशनल आइडेंटिटी के लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या है? हमारा नेशनल फ्लैग, ठीक है, डिज़ाइन किन्होंने किया था? ये पिंगली वेंकैया ने, और ये अडॉप्ट कब किया था हमने? ये किया था 22 जुलाई 1947, यानी लगभग आज़ादी से 1 महीने पहले। इसमें बीच में जो व्हील होता है, होप यू नो तीनों कलर्स का मीनिंग, ठीक है। मैं अपने लाइव सेशन के स्टार्टिंग क्वेश्चन में भी ऐसे डाल देती थी नेशनल फ्लैग के बारे में। अपार्ट फ्रॉम दैट, सेंटर में होता है एक व्हील, धर्म चक्र, जो होता है अशोक चक्र, ठीक है, और उसमें होते हैं 24 स्पोक्स, ऑलराइट। अपार्ट फ्रॉम दैट, अनदर नेशनल आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? नेशनल एंथम हमारा, जो किन्होंने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर में, और वो फर्स्ट टाइम इंडियन नेशनल कांग्रेस के कलकत्ता सेशन ऑफ 1911, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के जितने भी इंपॉर्टेंट सेशंस हैं, जब कुछ अलग हुआ हो, कुछ इंपॉर्टेंट हुआ हो, वो एक कैट के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। एंड यू नो, और इसको ऑफिशियली हमने अडॉप्ट कब किया था एज आर नेशनल एंथम? दैट हैपेंड ऑन 24 जनवरी 1950, याद करने के लिए, रिपब्लिक डे से जस्ट 2 दिन पहले।
ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट आर नेशनल ट्री, हमारा नेशनल ट्री होता है इंडियन फिग ट्री, जिसका साइंटिफिक नेम होता है फाइकस बेंगलेंसिस. अब ऐसे क्वेश्चन मोस्टली नहीं आते हैं, बट अगर नेशनल आइडेंटिटी पे फोकस कर रहे हो तो इस चीज को भी एक बार ही देख लो. ठीक है, नेशनल बर्ड है पिकॉक, जिसका साइंटिफिक नाम है पावो क्रिस्टासिस, और नेशनल हमारा फ्लावर होता है लोटस, जिसको हम साइंटिफिकली बोलते हैं नीलम्बो. तो दीज थिंग इफ दे रिटेन इन योर माइंड फाइन, अदरवाइज नेशनल फ्लैग, नेशनल एम्बलम और हमारा नेशनल कैलेंडर, इससे क्वेश्चन पहले आ चुके हैं, तो फोकस ऑन दीज थ्री मेजरली. ठीक है, ये चीज पता चल गई. दूसरे क्वेश्चन पे मूव ऑन, तीसरे क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं. ऑल राइट, सो यू हैव टू टेल मी विच डायनेस्टी इन द इंडियन हिस्ट्री वॉज नोन फॉर इशूइंग लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स. ठीक है, इज इट कुशान, सतवाहनास, गुप्ताज और नंदाज. कॉइन्स भी अगेन इफ कैट के बहुत ज्यादा फेवरेट टॉपिक होते हैं. एग्जैक्टली क्वेश्चन ऐसे नहीं आता कि कॉइन पे क्या बना हुआ है, बट कॉइन्स एज रिलेटेड टू द डायनेस्टीज, टू द पीरियड्स, दैट इज इम्पॉर्टेंट. तो हम वही क्वेश्चन करते हैं. नाउ समवन इज सेइंग गुप्ताज एंड समवन इज सेइंग कुशांस. क्वेश्चन को ध्यान से देखना. लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम फर्स्ट टाइम यू नो इंट्रोडक्शन ऑफ गोल्ड कॉइन्स. आई एम नॉट आस्किंग फर्स्ट टाइम किसने गोल्ड कॉइन्स इंट्रोड्यूस किए थे इंडियन हिस्ट्री में, आई एम आस्किंग लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स किसने यू नो इशू किए थे. सो द राइट आंसर हियर वुड बी गुप्ताज. ठीक है, गुप्ताज वर रिस्पॉन्सिबल फॉर लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स, सबसे ज्यादा गोल्ड कॉइन्स उन्होंने इशू किए थे. फर्स्ट टाइम किसने किए थे? फर्स्ट टाइम कुशांस ने किए थे. ठीक है, सो डोंट कंफ्यूज हियर विद कुशन एंड गुप्ताज, रीड द क्वेश्चन केयरफुली. लार्जेस्ट नंबर अगर पूछा है तो गुप्ताज, फर्स्ट टाइम गोल्ड कॉइन्स पूछा है तो कुशांस. ऑल राइट, लेट्स सी मोर कॉइन रिलेटेड क्वेश्चन किस तरीके से बन सकते हैं. नाउ यू नो दैट फर्स्ट टाइम गोल्ड कॉइन्स किन्होंने इशू किए थे? कुशांस ने किए थे. एंड इट इज सेड कि वो जो गोल्ड कॉइन्स देते थे वो सबसे ज्यादा उनकी क्वालिटी, उनकी प्योरिटी काफी हाई होती थी. उसके बाद अगर हम सोचें कि सिर्फ गुप्ता पीरियड में, आई टोल्ड यू कि गोल्ड कॉइन सबसे ज्यादा इंट्रोड्यूस किए थे. फर्स्ट टाइम कौन से गुप्ता रूलर ने गोल्ड कॉइन्स इंट्रोड्यूस किए थे? इट वॉज चंद्रगुप्त वन. और गुप्ता पीरियड में गोल्ड कॉइन्स को दिनार कहा जाता था, सिल्वर कॉइन्स को रूपक कहा जाता था. सो कीप दीज सिंपल थिंग्स इन योर माइंड. दूसरा है कि पहला गुप्ता रूलर जिसने सिल्वर कॉइन्स सबसे पहले गुप्ता डायनेस्टी में इंट्रोड्यूस किया था, दैट वॉज चंद्रगुप्त टू. ठीक है, कॉपर कॉइन्स करने वाला सबसे पहला एंड द ओनली गुप्ता रूलर वॉज रामगुप्त. ठीक है, और लेड कॉइन्स की अगर बात आती है, लेड कॉइन्स अलॉन्ग विद कॉपर एंड ब्रॉन्ज कॉइन्स, दैट वॉज डन बाय सतवाहना रूलर्स. सो यू हैव थ्री मेजर थिंग्स हियर. कुशान रूलर्स जिन्होंने सबसे पहले गोल्ड कॉइन्स दिए, गुप्ता जिन्होंने सबसे ज्यादा क्वांटिटी में गोल्ड कॉइन्स दिए, सतवाहना जिन्होंने लेड कॉइन्स, ब्रॉन्ज एंड कॉपर को खुद काफी ज्यादा यूज किया. अब जब हम गुप्ता में बात करेंगे, गुप्ता में भी तीन चीजें याद करना. सबसे पहला कि गुप्ता में सबसे पहले गोल्ड कॉइन किसने दिया? चंद्रगुप्त वन. सबसे पहले सिल्वर कॉइन किसने दिया? चंद्रगुप्त टू. और सबसे पहले कॉपर, और वो अकेला रूलर था जिसने कॉपर यूज किया था पूरे गुप्ता पीरियड में, दैट वॉज रामगुप्त. ऑल राइट, सो दीज आर द माइनर थिंग्स दैट यू हैव टू टेक अवे फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्लाइड. शैल आई मूव टू द नेक्स्ट सेशन? इंडो ग्रीक वगैरह नहीं है इंपॉर्टेंट, जितना इंपॉर्टेंट है मोहित, इन द लास्ट डेज विल बी डूइंग जस्ट दैट. ठीक है, मैं बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चंस लेके आ रही हूँ, सिर्फ इतना अगर आप हिस्ट्री से कर लोगे. हिस्ट्री का वेटेज स्टैटिक जीके में, इफ कैट में काफी होता है. ठीक है, 5 to 7 क्वेश्चंस यू कैन गेट, तो यहाँ से आराम से आपके क्वेश्चंस निकल जाएंगे. ऑल राइट, सो या दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग वे इज कॉल्ड द फर्स्ट टेस्टमेंट ऑफ द मैनकाइंड? इट इज द ओल्डेस्ट टेक्स्ट ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज वाई इट इज नोन एज फर्स्ट टेस्टमेंट ऑफ मैनकाइंड. एंड you guys are already telling me that it is a Rigveda, and I have to agree with you. Yes, it is a Rigveda. ठीक है, इसके अलावा यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वेद, वेद में से क्वेश्चन मोटा मोटा कैसा आ सकता है? Let's see quickly certain things about them. Rigved, you know that it is the oldest text in the world. That is why it is called the first testament of mankind. All right, because it is the oldest text in the world. And Rigved में क्या है? Collection of lyrics. ठीक है, ऋग्वेद में है सिर्फ लिरिक्स. उसके बाद आता है यजुर्वेद. यजुर्वेद में कलेक्शन है या बुक है, इट इज ऑफ सेक्रीफिशियल प्रेयर्स. सामवेद टॉक्स अबाउट चैंट्स एंड इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू द इंडियन म्यूजिक. तो अगर क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि इंडियन म्यूजिक के लिए कौन सा वेद रिलेटेड है, रिमेंबर सैम. ठीक है, जस्ट अज्यूम कि सैम कोई बहुत अच्छा सिंगर है, सो दैट इज फ्रॉम वेयर यू कैन रिमेंबर एनीथिंग विच वुड वर्क फॉर यू. Now fourth is Atharvaved, which basically has all the magical formula. तो ये हमारा देसी हैरी पॉटर है अथर्व. ठीक है, रिमेंबर दिस. अपार्ट फ्रॉम दैट, दिस इज जस्ट वन ब्राउनी क्वेश्चन, उतना नहीं आ सकता, बट आ जाए तो यू शुड बी नोइंग कि दैट दीज फर्स्ट थ्री
यू नो वेद टुगेदर, अपार्ट फ्रॉम योर हैरी पॉटर, अपार्ट फ्रॉम योर अथर्व, बाकी के जो तीन वेद हैं दैट इज नोन एज ट्रायो ऑफ वेदा. ठीक है, सो रिमेंबर दिस. इतना हो गया, बढ़िया. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5 क्विकली. आदि काव्य इज द अनदर नेम ऑफ रामायण, मनुस्मृति, महाभारत और नारद स्मृति. क्विकली टेल मी, आदि काव्य किसको बुलाया जाता है? जल्दी से बता दो मुझे. डिफिकल्ट क्वेश्चन. रामायण, ओके. प्रीति इज सेइंग रामायण. आई एम गेटिंग महाभारत ऑल्सो. रामायण एंड महाभारत आई एम गेटिंग फ्रॉम मोस्ट ऑफ यू. संजय इज सेइंग स्मृति. विद स्मृति यू हैव गॉट मनुस्मृति एंड नारद स्मृति. ऑलराइट, सो मुझे ए और सी मिल रहा है यहाँ. आदि काव्य किसको कहा जाता है? ओके, आदि काव्य एक्चुअली रामायण को कहा जाता है. ठीक है, सो हूएवर इज सेइंग ए रामायण आर परफेक्टली करेक्ट हियर. अब यहाँ पे द टेक अवे पॉइंट्स हियर आर दैट रामायण एंड महाभारत आर टुगेदर कॉल्ड द महाकाव्यास. ठीक है, महाकाव्यास होते हैं ये दोनों. इसमें से रामायण इज नोन एज द ओल्डेस्ट एपिक while महाभारत is known as the longest epic. Last of cat में पूछ लिया था कि रामायण किसने लिखी है? वाल्मीकि. ठीक है, original. और महाभारत किसने लिखी है? वेद व्यास. ऑल राइट, ओरिजिनल. राइट, सो अपार्ट फ्रॉम दैट, मनुस्मृति, नारद स्मृति सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए मैंने यहाँ पे दिया था. स्मृतिज आर नॉट इम्पॉर्टेंट, रामायण एंड महाभारत आर इम्पॉर्टेंट. लास्ट टाइम पूछ लिया था कि महाभारत का युद्ध कितने दिन चला था? सो इट वॉज 18 days. ठीक है, तो इस तरीके की बेसिक चीजें यू मस्ट बी नोइंग अबाउट आर एपिक्स. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन क्विकली. हु वॉज द फर्स्ट इंडियन किंग टू हैव अ रेगुलर एंड स्टैंडिंग आर्मी? पहला इंडियन किंग जिसके पास एक रेगुलर स्टैंडिंग आर्मी थी, हु वॉज दैट? क्विकली टेल मी इन द चैट बॉक्स. कम ऑन. ओके, आई विल गिव यू द हिंट फॉर दिस वन. He was actually the founder of Haryanka dynasty. Who is the founder of Haryanka dynasty? That particular ruler was actually the first Indian king to have a regular standing army. It is actually Bimbisar. All right, Bimbisar Haryanka dynasty ka founder ke founder the. ठीक है, remember this. Haryanka founders पूछ लेते हैं. Normally Haryanka का कोई नहीं पूछेगा. जो important founders है वो अभी आने वाले video में I'll be discussing. But remember, Bimbisar पहला Indian king था to have a regular standing army. All right, apart from that you see other options here like Ajatshatru, Mahapadmanand. Mahapadmanand was was the founder of Nand dynasty. All right. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, महापद्मानंद का यू नो नाम आप याद कर लो क्योंकि निकनेम्स पूछ लेते हैं. तो उग्रसेन भी महापद्मानंद को ही बुलाया जाता था. चंद्रगुप्त मौर्य वॉज बेसिकली जिसने नंद डायनेस्टी को खत्म किया था, है ना. नंद डायनेस्टी को हराकर अपनी नई मौर्य डायनेस्टी बनाई थी, तो दैट वॉज चंद्रगुप्त मौर्य. बट फ्रॉम हियर द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट बिंबिसार वॉज द फर्स्ट इंडियन किंग टू हैव अ रेगुलर स्टैंडिंग आर्मी. ठीक है, ही इज कॉल्ड सैन्य, दैट इज वाई ही वॉज कॉल्ड सैन्य. यू कैन रिमेंबर इट विद दैट. वेल डन. सैन्य बुलाया जाता था, बिंबिसार का निकनेम था. ठीक है, क्यों था? सैन्य से यू कैन रिमेंबर सेना, दैट इज आर्मी. ऑलराइट, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7 हियर. हु लेड डाउन द फाउंडेशन ऑफ सिटी पाटलिपुत्र एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द सोन एंड द गैंजेस? यू हैव टू टेल मी. जल्दी से बताओ मुझे. You have got 4 options here: Shishunag, Ajatshatru, Udayin, and Bimbisar. Who was the ruler who laid down the foundation of Pataliputr? Mixed answer mil rahe hai. Sanjay Singh, Udayin, Preeti, and many of you are actually see. Some do not know. उदाइन मुझे मिल रहा है आंसर. सो ठीक है, उदाइन एक्चुअली आंसर है इसका. ठीक है, उदाइन जो है अजात शत्रु का बेटा, बिंबिसार हरियंका डायनेस्टी से ही है उदाइन भी. ठीक है, सो ही बेसिकली लेड द फाउंडेशन ऑफ सोन एंड दिस थिंग, सोन एंड गैंजेस पे ही लेड द फाउंडेशन ऑफ पाटलिपुत्र. परफेक्ट. डिफिकल्ट है आई नो, बट ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ये क्वेश्चन आना होगा तो एज इट इज आएगा, नहीं तो कुछ नहीं आएगा. उदाइन से हरियंका से क्वेश्चन आएंगे तो या तो आएगा कि बिंबिसार है जिसने यू नो पहली स्टैंडिंग आर्मी, या उदाइन के बारे में आ जाएगा, हरियंका का फाउंडर आ जाएगा, अगेन बिंबिसार. इसके अलावा हरियंका से कुछ नहीं आएगा. ठीक है, moving to question number 8 quickly. Who is the author of Raj Tarangini? Now this question has been asked before in IFCAT. This Raj Tarangini, it basically describes about the kings, it basically describes kings of Kashmir, and you have to tell me out of the 4 options who is it.
आई एम गेटिंग डी कल्हाना. आर यू श्योर? येस इट इज कल्हाना. एब्सोल्यूटली करेक्ट. कल्हाना वॉज द पर्सन जिसने राज तरंगिनी लिखी थी, और राज तरंगिनी में उन्होंने बात करी थी कश्मीर के किंग्स, बेसिकली जो उस टाइम पे नॉर्थ इंडिया था वहां के किंग्स के बारे में. ठीक है. इसके अलावा यू शुड बी नोइंग कि यहाँ पे यू सी हर्ष, हर्ष इज बेसिकली किंग हर्षवर्धन. किंग हर्षवर्धन खुद भी पोएम्स लिखा करते थे. इनकी फेमस राइटिंग्स यू शुड बी नोइंग रत्नावली, नागनंद, प्रियदर्शनी, इनकी कुछ फेमस राइटिंग्स हैं. इन्हीं के कोर्ट में थे बाणभट्ट. बाणभट्ट के राइटिंग्स आ जाते हैं, बाणभट्ट के राइटिंग्स आ जाते हैं, और उनकी राइटिंग्स हैं कादम्बरी. ठीक है. कादम्बरी, अगर पूछने कि कादम्बरी का ऑथर कौन है, या हर्ष, हर्ष चरित्र, हर्ष चरित्ता, इसका ऑथर कौन है? अगेन बाणभट्ट है. ठीक है. पाणिनि वॉज नोन एज संस्कृत ग्रामर के लिए इन्होंने काम किया था. ठीक है. संस्कृत ग्रामर की इनकी बुक थी, पाणिनि वॉज नोन फॉर दैट. तो यहाँ पे आपको एक ही क्वेश्चन से क्या क्या टेक अवे है. पहला तो कल्हाना राज तरंगिनी लिखा था, दूसरा किंग हर्षा जो खुद भी पोएम लिखा करते थे. ठीक है. उनकी कुछ पोएम्स है फेमस, रत्नावली, नागनंद, प्रियदर्शिका. ठीक है. अगर प्रियदर्शिका दिखता है क्वेश्चन में, रत्नावली दिखता है, तो समझ जाना कि ये हर्षा ने लिखी है, किंग हर्षा ने लिखी है. इसके अलावा बाणभट्ट इज इम्पोर्टेंट फॉर कादम्बरी एंड हर्षचरिता, एंड ही वॉज इन द कोर्ट ऑफ हर्षा. ठीक है. ये यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज मिल गई. क्विकली लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 9. द किंगडम विच वॉज नोन टू मेंटेन एन एफिशियंट नेवी. नाउ सी दिस क्वेश्चन केयरफुली. ठीक है. नेवी रखी होगी इनसे पहले, जैसे कहा जाता है कि गुप्ताज ने भी छोटी मोटी नेवी तो रखी हुई थी. बट द क्वेश्चन इज आस्किंग यू हु वॉज नोन टू मेंटेन एन एफिशियंट नेवी, नेवी को सबसे बढ़िया. एंड दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्ड इन इफकैट. ठीक है. इसलिए मैंने यहाँ पे डाला हुआ है. यू आर सेइंग चोला, सबका चोला आ रहा है, किसी का कुछ अलग है? नहीं. ठीक है, फाइन. इफ यू आर सेइंग चोलास तो इट इज चोलास. अपार्ट फ्रॉम दैट, साउथ इंडिया वाले लीडर्स से इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं. एक बस बेसिक चीज याद कर लो, इनके एम्बलम्स हो सकता है आपसे गलती से पूछ लें. एक बार पूछा था, चेयर का एम्बलम होता है बो, इनका होता है चोलास का टाइगर, और पंड्यास का होता है फिश. ठीक है. सो ये तीन चीजें बस आपको पता होनी चाहिए इनके लिए, और चोलास के लिए पता होना चाहिए कि दैट दे मेंटेन एन एफिशिएंट नेवी. इसके अलावा बाकी यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एज इट इज है नहीं. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 10, विच पीरियड इज नोन एज द क्लासिकल एज और गोल्डन एज. अगेन दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्ड, एंड इसका आंसर जो है बेसिकली दैट पीरियड, दैट एज, यू नो दैट डायनेस्टी इज वेरी फेवरेट ऑफ इफकैट, आई वुड से. सो क्विकली टेल मी इसका आंसर. Yeah, that question was asked in CDS too. All right. Just quickly tell me answer. Classical age या golden age किसके period को कहा जाता है? Is it Gupta? Is it Rajput? Sangam period या Maurya period? What is it? It is, yes, it is Gupta period. ठीक है. और गुप्ता बहुत ही ज्यादा favorite है इफकैट का. गुप्ता से related उनके rulers हो गए, उनमें rulers को क्या nicknames दिए हुए हैं, उनके age को golden age, उनके coins, stuff like that can definitely come in इफकैट. coins की लेकिन जब मैं बात कर रही हूँ तो वो मत पढ़ने लग जाना कि coins पे क्या बना हुआ होता था, किस ruler के coins में, किस में राजा रानी बने हुए हैं, स्टफ लाइक दैट डू नॉट कम इन इफकैट. तो वहाँ टाइम वेस्ट मत करना. बस जो जिस पैटर्न पे आई एम टेलिंग यू द क्वेश्चन, उससे रिलेटेड क्वेश्चन ही आएंगे. ठीक है. सो लेट मी जस्ट क्विकली मूव टू 11th क्वेश्चन now because you got that one pretty quickly. Now your next question is the first Gupta ruler to assume the title of Vikramaditya. I told you Gupta unka favorite hai, aur Gupta mein bhi unke titles kafi zyada important ho jate hain, and you have to tell me ki Vikramaditya title kiska hai inme se. Chandragupta 2, are you sure it's B? All right, if you're saying it's B, I'll go with B. Chandragupta 2 was known as Vikramaditya. When you talk about Chandragupta 1, unko kya bulaya jata tha? Unko bulaya jata tha Maharaja Adhiraj. ये उनको, उन्होंने खुद को ही दे लिया था ये टाइटल. ठीक है. महाराजा अधिराज. चंद्रगुप्त 2 विक्रमादित्य है. कुमार गुप्त का क्या है? कुमार गुप्त और स्कंद गुप्त एज इट इज वैसे इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, बट ये यहाँ पे हैं तो इनको भी ले लेते हैं. कुमार गुप्त को बोलते थे महेंद्र आदित्य, और स्कंदगुप्त को बोलते थे देवराज. ठीक है. बट ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? चंद्रगुप्त 1 और चंद्रगुप्त 2. इनके अलावा एक और है यहाँ पे, समुद्रगुप्त. ठीक है. एंड आई बी आस्किंग यू दैट क्वेश्चन आगे कि समुद्रगुप्त का निकनेम क्या था. ठीक है. ओके, यू प्रिटी मच गॉट द आंसर फ्रॉम हियर. V.A. Smith was the person who described this particular ruler as the Indian Napoleon, Napoleon of India. कौन है ये नेपोलियन ऑफ इंडिया?
अच्छा आपको पता ही चल गया, ठीक है। नेपोलियन ऑफ इंडिया। हियर इज सी, समुद्रगुप्त को किसने दिया था ये नाम? वीएस स्मिथ ने, ये भी याद रखना, ठीक है। इंडियन नेपोलियन कहा जाता था, ग्रेटेस्ट रूलर इनको कहा जाता था पूरे गुप्ता पीरियड का, ठीक है। इनके टाइम में बहुत ज्यादा हर चीज को इन्होंने बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कराई थी। मोस्टली ये खुद पोइम्स लिखा करते थे, तो दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ठीक है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 13 क्विकली, अगेन गुप्ता का ही क्वेश्चन है यहाँ पे। वन मोर थिंग आई हैव टू टेल यू, प्रीवियस क्वेश्चन में बताना भूल गई, समुद्रगुप्त को ही कविराज भी कहा जाता था। मैंने बताया उनको पोइम्स वगैरह लिखने में इंटरेस्ट था खुद भी, तो उन्हें कविराज भी कहा जाता था। और उनके कोई एक बहुत फेमस पोएट हैं, उनका नाम है हरिसेन, ठीक है। तो हरिसेन उनके एक फेमस पोएट हैं, ये खुद भी पोएम लिखते थे, इसलिए इन्हें कविराज भी बुलाया जाता था, और इंडियन नेपोलियन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाहीन हु वाज अ चाइनीज पिलग्रिम विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रीन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स, ठीक है। गुप्ता उनका फेवरेट है, गुप्ता में अब उनमें अगर एक फॉरेन विजिटर की बात है तो दैट ऑल्सो बिकम्स इम्पोर्टेंट। यू हैव टू टेल मी इज इट चंद्रगुप्त टू? ऑल राइट, ही इज सेइंग इट्स डी, चंद्रगुप्त टू, आई विल गो विद दैट। यस इट्स चंद्रगुप्त टू। और चंद्रगुप्त टू आफ्टर समुद्रगुप्त, अगर गुप्त में कोई इम्पोर्टेंट है गुप्ताज में, समुद्रगुप्त के बाद इट इज चंद्रगुप्त टू, ठीक है। चंद्रगुप्त वन तो है ही, उसके अलावा चंद्रगुप्त टू क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आई विल टेल यू सर्टेन पॉइंट्स हियर। सी, चंद्रगुप्त टू वॉज नोन फॉर कीपिंग 9 जेम्स और नवरत्न इन हिज कोर्ट। अकबर के कोर्ट में भी थे नवरत्न, उनके साथ कंफ्यूज मत करना, इनको अलग से देखो। चंद्रगुप्त के 9 जेम्स थे, उसमें से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट थे, कालिदास, अमर सिंह, धनवंतरी, ठीक है। कालिदास के आ जाते हैं एज इट इज, उनका फेमस प्ले है अभिजनन शकुंतलम, अ वेरी फेमस प्ले ऑफ कालिदास। अपार्ट फ्रॉम दैट हिज पोएम्स ऋतु संहार, मेघदूतम, ये उनकी कुछ इंपॉर्टेंट पोएम्स हैं। और कालिदास को जो है विलियम जोन्स ने शेक्सपियर ऑफ इंडिया कहा था, ठीक है। अगर क्वेश्चन आ जाता है हु इज नोन एज शेक्सपियर ऑफ इंडिया, वट वुड यू से? यू वुड से इट इज कालिदास। और उनको शेक्सपियर ऑफ इंडिया जो है, विलियम जोन्स ने बेसिकली क्या किया था, उनका जो ये अभिजनन शकुंतलम है प्ले, इसको उन्होंने ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में, ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है कि कालिदास का जो फेमस प्ले है शकुंतलम, उसको इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया था, इट वाज विलियम जोन्स। ऑल राइट, विलियम जोन्स ने एक और काम किया था, इन्होंने मनुस्मृति को भी इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था, उसको हिंदू लॉ समथिंग कहा जाता है, क्या कहा जाता है उनको, इनको इंस्टीट्यूट्स ऑफ हिंदू लॉ कहा जाता है। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट दिस थिंग इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट अमर सिंह है, जिन्होंने अमर सिंह कोश लिखा है। धनवंतरी जो वहां के मेडिसिन टेक्स्ट था, उसके लिए बहुत फेमस है नवनीतकम। इसके अलावा वहां पे शंकु, वरह, मिहिरा, वेल भट्ट, ये सब इतने नाम आपको याद करने की जरूरत है नहीं, बट रिमेम्बर चंद्रगुप्त के में 9 जेम्स थे, उनमें से बहुत इंपॉर्टेंट एक कालिदास है, ठीक है। हो गया, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 14। हर्षवर्धन फेल्ड टू कंक्वेयर द डेक्कन बिकॉज ऑफ फेसिंग हिज ओनली डिफीट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स, ठीक है। अगर हर्षवर्धन वाला, वर्धन वाला कोई भी क्वेश्चन आता है तो मोस्टली इसी लाइन पे आएगा, नहीं तो कुछ नहीं आएगा, ठीक है। इसका आंसर बता दो, बी। ऑल राइट, सो इट इज पुलकेशन टू, ठीक है। पुलकेशन टू ने ही हर्षवर्धन, हर्षवर्धन सिर्फ एक से हारा था, दैट वाज पुलकेशन टू। पुलकेशन टू ने इनको हरा दिया था, इसीलिए हर्षवर्धन डेक्कन में अपना सिक्का नहीं जमा पाए थे, ठीक है। सो रिमेम्बर दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट आई जस्ट हैव टू क्विकली टेल यू सम फेमस डायनेस्टीज और उनके फाउंडर कौन थे। पाल जो डायनेस्टी थी उसके फाउंडर थे गोपाल। राष्ट्रकूट डायनेस्टी के फाउंडर थे दंती दुर्ग। चौहान के थे वासुदेव और तोमर के थे अनंगपाल। अब राष्ट्रकूट में एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि कृष्णा वन एक राष्ट्रकूट रूलर थे, ही बिल्ट द कैलाश टेम्पल एट एलोरा, ठीक है। एलोरा अजंता बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां के टेम्पल्स इंपॉर्टेंट है, तो एलोरा में एक टेम्पल है कैलाश टेम्पल, जो किसने बनाया था, कृष्णा वन। कृष्णा वन एक राष्ट्रकूट रूलर है। दैट इज ऑल फ्रॉम हियर, वी कैन सेफली मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी बताओ मुझे अब इस क्वेश्चन का आंसर। आर्यभट्ट वॉज देयर इन नवरत्न। आर्यभट्ट उनके टाइम पे थे, ठीक है। अमन यस, आर्यभट्ट उनके टाइम पे थे। गुप्ता पीरियड में एक्चुअली काफी सारे टेक्स्ट हैं जिनको रीराइट किया गया था, काफी नए टेक्स्ट भी लिखे गए थे, तो इसलिए उसको एक तरीके से गोल्डन एज कहा जाता है, क्योंकि तब आर्ट, कल्चर, प्रोस्पेरिटी थी बेसिकली ओवरऑल। ऑल राइट, सो यू आर टेलिंग मी क्वेश्चन नंबर 15, जहाँ पे ये पूछा हुआ है कि मुस्लिम रूल जो फाइनली इंडिया में स्टैब्लिश हुआ था फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, वो कौन से बैटल के वजह से हुआ था। यू आर टेलिंग मी इट इज बैटल ऑफ टेरेन, देन यू आर एब्सोल्यूटली करेक्ट। येस, बैटल ऑफ टेरेन इन
1192 में जो हुआ था, दैट वॉज यू नो जहाँ पे किस किस का बैटल हुआ था ये मुझे जल्दी से बता दो कमेंट सेक्शन में, कौन थे वो जो हार गए थे जिसकी वजह से मुस्लिम रूलर इंडिया में घुस गया था. क्विकली टेल मी दैट. बैटल ऑफ टेरेन, यस, 1192. हु वॉज इट बिटवीन, हु वर द टू यू नो किन के बीच में हो रहा था ये? तराइन बोलते हैं, फाइन, तराइन होता होगा. पृथ्वीराज चौहान एंड यस मोहम्मद गौरी, आई एम गेटिंग इट नाउ. पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी में हुआ था पहला जो बैटल ऑफ तराइन हुआ था वो भी पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मद गौरी में हुआ था. दूसरा वाला भी पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मद गौरी में हुआ था. पहले में पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे पर दूसरे में मोहम्मद गौरी जीत गए थे और जीतते ही उन्होंने इस्टेब्लिश कर दिया था मुस्लिम रूल. इसके अलावा आई हैव गिवन यू दीज टू ऑप्शन, बैटल ऑफ चंदावर, ठीक है, 94 और 92 वाला. नाउ 92 में तो हुआ ही था, इट वॉज एक्चुअली 94. तो ये भी बता दो ये भी किसके बीच में हुआ था. जयचंद, यस, इट वॉज इंपॉर्टेंट क्योंकि यहां पर मोहम्मद गौरी ने जयचंद को मार दिया था. दैट हैपेंड हियर. परफेक्ट, वेल डन गाइस, वेल डन. सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 16, एंड बिफोर दैट आई हैव टू टेल यू सम इम्पोर्टेंट डायनेस्टीज अगेन. ठीक है, जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मुस्लिम रूल की तो यहाँ आ गई है दिल्ली सल्तनत, जिसके कुछ मेजर डायनेस्टीज ये थी और उनके फाउंडर्स यू शुड बी नोइंग. एक फैक्ट में सीधा पूछ लेते हैं, पहले बोला है कि स्लेव डायनेस्टी जो थी उसके फाउंडर थे कुतुबुद्दीन ऐबक, खिलजी के जलालुद्दीन खिलजी, तुगलक घियासुद्दीन तुगलक, सैयद इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, लोधी बहलोल लोधी. ठीक है, तो ये आपको फाउंडर्स पता होने चाहिए. अपार्ट फ्रॉम दैट थोड़े से टेक अवेज हैं, थोड़ा सा फोकस कर लो. स्लेव डायनेस्टी आई जस्ट टोल्ड यू दैट द फाउंडर वॉज कुतुबुद्दीन ऐबक. कुतुबुद्दीन से रिलेटेड आपको क्या चीजें याद रखनी है? अढ़ाई दिन का झोपड़ा और कुतुब मीनार को स्टार्ट किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने. इसके अलावा देयर वॉज अनदर रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, इल्तुतमिश. नाउ द फाउंडर वॉज कुतुबुद्दीन ऐबक बट इट इज सेड दैट द रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत इज इल्तुतमिश. ही कंप्लीटेड कुतुब मीनार एंड ही मेड दिल्ली द कैपिटल. ऑल राइट, सो दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट हिम. यस, अपार्ट फ्रॉम दैट समबडी इज टेलिंग मी लख बख्श जो नाम है, यस, कुतुबुद्दीन का निकनेम है लाख बख्श. ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टेक अवे है. थैंक यू सो मच फॉर पॉइंटिंग दैट आउट. अपार्ट फ्रॉम दैट यू ऑल्सो हैव टू रिमेंबर सर्टेन थिंग्स अबाउट खिलजी डायनेस्टी. नाउ खिलजी, आई जस्ट टोल्ड यू जलालुद्दीन खिलजी वॉज द फाउंडर, बट अगेन जो नेक्स्ट थे अलालुद्दीन खिलजी, जो उनके बेटे नहीं थे, ठीक है, लेकिन उन्होंने जलालुद्दीन को हरा कर वो आ गए थे खुद थ्रोन पे और उन्होंने बिल्ट किया था अलाई दरवाजा विच इज द एंट्रेंस ऑफ कुतुब मीनार. नाउ दिस क्वेश्चन एक्चुअली केम इन सी ए पीएफ, कैसे आया था कि कुतुब मीनार को फिनिश किसने किया था, स्टार्ट किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था. एंड आई टोल्ड यू कि कंप्लीट किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था. बट इट माइट बी पॉसिबल कि कुछ लोगों को याद रहा हो कि अलालुद्दीन खिलजी भी तो कुछ कर ही रहा था कुतुब मीनार के साथ, बट ही वॉज जस्ट बिल्डिंग द एंट्रेंस. ठीक है, कंप्लीट करने का अगर आता है तो इल्तुतमिश, एंट्रेंस बनाने का आता है तो अलालुद्दीन. तो ये वाली चीज आप लोग याद रख लेना. ठीक है, मूविंग टू अनदर इंपॉर्टेंट डायनेस्टी ऑफ दैट टाइम, तुगलक्स. तुगलक से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है फिरोज शाह तुगलक के बारे में कि उन्होंने
ओके जस्ट अ सेकेंड. हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल नाउ? आई एम सो सॉरी फॉर आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग टुडे. नज़र लग गई है हमारे सेशन को, पहले इंटरनेट इशू एंड देन दिस इशू. आई एम सो सॉरी. आई एम नाउ ट्राइंग विद डिफरेंट पेयर ऑफ ईयरफोन्स एंड आई गेस इट वुड वर्क नाउ. अच्छा, वॉज ऑडिबल बीच बीच में. थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग बैक. आई एम नॉट श्योर आपने वेयर वेयर डिड यू लूज मी, कौन से स्लाइड पे यू लॉस्ट मी, बट आई विल जस्ट रिपीट जहाँ से मुझे लगता है. यू गाइज आर अमेजिंग, सीरियसली थैंक यू सो मच फॉर बींग सो सपोर्टिव. येस फाइन, थैंक यू सो मच फॉर कन्फर्मिंग दैट आई एम ऑडिबल नाउ. जस्ट वेटिंग फॉर योर कन्फर्मेशन कि ईयरफोन्स के साथ भी आ रहा है क्या, क्योंकि थोड़ा लैग भी. आई डोंट नो, देर इज सम इशू. आई एम वेरी सॉरी अबाउट दैट. तुगलक पे थे. I have to start from Tughlaq's. All right. I'll start from Tughlaq. I hope I'm audible now. No lag now. Perfect. ठीक है. Good. Thank you so much. Okay, let's start with Tughlaq पे. You lost my audio, है ना? ठीक है. Tughlaq में I was just telling you कि Tughlaq से सिर्फ ये question आ सकता है कि उनके important है. एक तो founder हमने discuss कर लिए. Founder के अलावा important है फिरोज शाह तुगलक, जिन्होंने अशोका के दो pillars जो हैं वो टोपरा हरियाणा और मेरठ यूपी से लाके मूव कर दिए थे दिल्ली में. सो दैट इज द क्वेश्चन. इस तरीके से आ सकते हैं कि अशोका के जो दो पिलर हैं, या एक पिलर टोपरा हरियाणा से मेरठ यूपी से, कौन लेके आ गया था दिल्ली में, तो फिरोज शाह तुगलक लेके आ गया था. ठीक है, सो दैट इज ऑल. लोधी, लोधी में सिर्फ याद रखना है इब्राहिम लोधी इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि वो लास्ट रूलर था पूरी दिल्ली सल्तनत का. हमने अभी जितनी भी डायनेस्टीज डिस्कस करी वो सब दिल्ली सल्तनत में काउंट होती है, और दिल्ली सल्तनत का लास्ट रूलर वॉज इब्राहिम लोधी. ही वॉज लास्ट बिकॉज ही लॉस्ट टू बाबर इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526. ठीक है, यहाँ तक हो गया. ठीक है, शैल आई मूव फॉरवर्ड? इट्स ब्लर. ट्राई यू नो चेंजिंग द यूट्यूब क्वालिटी फ्रॉम योर एंड. आई थिंक इट्स फाइन एट माई एंड. राइट, सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. आई विल वेट फॉर योर आंसर्स हियर. हु इज द ऑथर ऑफ द बुक किताब उल रहला? ठीक है, बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बुक्स के ऑथर्स आ जाते हैं. आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, मैंने इनको पार्ट्स में कवर किया है, डायनेस्टीज और पीरियड्स के हिसाब से कवर किया हुआ है. जस्ट क्विकली टेल मी अब किताब उल रहला. बताओ मुझे किताब उल रहला किसने लिखी है. ओके, आई हैव टू टेल यू इन इंग्लिश. हु इज द ऑथर ऑफ द बुक किताब उल रहला? योर ऑप्शंस आर इब्न बतूता, अमीर खुसरो, फिरदौसी अलबिरोनी. एंड यू आर टेलिंग मी इट्स इब्न बतूता. इफ यू आर टेलिंग मी इट्स इब्न बतूता, तो मैं आपको तो गलत बोल ही नहीं सकती. इट इज ए इब्न बतूता. ठीक है, इब्न बतूता की इंपॉर्टेंट बुक है किताब उल रहला. उसके अलावा बाकी के ऑथर्स को भी एक बार जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि अगर क्वेश्चन आएगा यू नो इनके टाइम से, सल्तनत के टाइम से, तो इन चारों में से ही किसी का आने की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है. अमीर खुसरो को निकनेम दिया हुआ है तोता ए हिंद. ठीक है, ये क्वेश्चन अगर आ जाए तो पता होना चाहिए कि अमीर खुसरो की बात हो रही है. और अमीर खुसरो की जो एक इंपॉर्टेंट बुक है वो है तुगलक नामा. इसके अलावा इनकी काफी बुक्स हैं, वैसे यू कैन गो थ्रू एक बार, है ना, बट तुगलक नामा अमीर खुसरो की काफी इंपॉर्टेंट है. उसके बाद आते हैं फिरदौसी. फिरदौसी की इंपॉर्टेंट बुक का नाम है शाहनामा. ठीक है, किसके बारे में है, क्यों है, वैसे क्वेश्चंस नॉर्मली नहीं आते हैं. सीधा बुक सीधा ऑथर, इफ कैट वाली पीपल डू दैट. ठीक है, अलबिरौनी, अलबिरौनी की तहकीक ए हिंद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है,
तो इस क्वेश्चन से बेसिकली हमने चार चीजें जाननी है. सबसे पहले ऑथर ऑफ किताब उल रहला इब्न बतूता है, दैट वी नो. अपार्ट फ्रॉम दैट आमिर खुसरो का निक नेम तोता ए हिंद है, उनके फेमस बुक है तुगलक नामा. और तुगलक नामा के अलावा और भी हैं जो यू कैन गो थ्रू इफ यू आर फ्री, बट तुगलक नामा इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ देम ऑल. फिरदौसी की है शाहनामा, अलबिरूनी की है तहकीक ए हिंद. ठीक है, so these are some important books of these important authors. Moving to question number 17, battles बहुत important है. हल्दी घाटी का हो, चौसा का हो, पानीपत का हो, सीधा ईयर पूछ लेते हैं या किस किस के बीच में इट वॉज फॉट ये पूछ लेते हैं. तो क्विकली टेल मी क्वेश्चन नंबर 17, जल्दी से बताओ. अंशु, आज के सेशन में हम ट्राइंग कि मैं हिस्ट्री ज्यादा कवर कर लूँ, क्योंकि ज्योग्राफी के भी लास्ट में आई टेल यू द स्पेसिफिक टॉपिक्स. हिस्ट्री काफी वास्ट है पर से, ज्योग्राफी में बहुत स्पेसिफिक चीजें हैं, लास्ट में आई टेल यू क्या करना है. ठीक है, जल्दी से बता दो बैटल ऑफ चौसा के बारे में मुझे. बैटल ऑफ चौसा किस किस के बीच में लड़ा था? यू आर टेलिंग मी इट्स सी. यस इट इज सी, इट इज सी. इट वॉज फॉट बिटवीन हुमायूं एंड शेर शाह. ठीक है, हुमायूं के साथ बेचारे के साथ बहुत बुरा हुआ था, बुरा एज इन शेर शाह से जितनी बार लड़ा हार गया था. इसके अलावा बाबर और शेर शाह तो कभी लड़े ही नहीं थे. बाबर और मोहम्मद लोदी में जो लड़ाई हुई थी हमने डिस्कस कर लिया. हुमायूं और मोहम्मद लोदी भी नहीं लड़े थे. तो बाबर और लोदी जहां पर लड़े थे दैट वॉज एक्चुअली बैटल ऑफ घाघरा. ठीक है, ये बाबर के हम अभी देख लेते हैं वॉर्स. उससे पहले हुमायूं और शेर शाह में जो हुआ था दैट वाज बैटल ऑफ चौसा. बैटल ऑफ चौसा के अलावा ये तो 1539 में हुआ था. 1540 में हुमायूं ने फिर से यू नो ट्राई करी थी कि अब जाके शेर शाह को हरा देता हूँ एट कन्नौज, बट वो बेचारा फिर से हार गया था. तो मुगल्स जो है वो नहीं आ पाए थे रूल करने जब तक शेर शाह सूरी वॉज देयर. जब शेर शाह सूरी यू नो वेन ही एक्सपायर्ड, वेन ही डाइड, उसके बाद ही हुमायूं वापस से यू नो आ पाया था. और तब भी बेचारा कुछ ही सालों में मर गया था. सो इनके साथ बहुत बुरा हुआ था इन दैट वे. नाउ आई हैव टू टेल यू कि बाबर के कुछ इंपॉर्टेंट बैटल्स हैं दैट यू शुड बी नोइंग. ठीक है, इसको ऐसे याद कर लेना कि बाबर का सबसे पहले था, एक तो हमें पता है पानीपत वाला बैटल है ना. पानीपत वाला बैटल कब हुआ था? 1526 में. उसके बाद सिंक्रनी में चलेंगे, 27 में दूसरा, 28 में तीसरा और 29 में चौथा. फर्स्ट इन 1526 एट पानीपत, सेकेंड इन 1527, थर्ड इन 1528, फोर्थ इन 1529 एंड 1530 में ही डाइड. ठीक है, बहुत ही हैपनिंग लाइफ थी इनकी तो. सो इसको आप याद कर सकते हो, पानी सबसे पहले तो उन्होंने पानी पिया. ठीक है, पानी पी के उन्होंने खाया खाना, खाना मतलब खानवा. उसके बाद उन्होंने पी चाय, चाय मतलब चंदेरी. ठीक है, और उसके बाद वो चले गए घर, घर मतलब घाघरा. ठीक है, तो ये मैंने इसको इस तरीके से याद किया, आप कैसे भी याद कर सकते हो. तो दीज आर लाइक फोर फेमस बैटल्स ऑफ बाबर दैट यू शुड बी नोइंग. ओके, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 18, हु इशूड द कॉइन रुपया. अब इसका आंसर जो है वो भी इफ कैट का बहुत ही फेवरेट रूलर है. ठीक है, उसके क्वेश्चंस आ जाते हैं. कैसे क्वेश्चन आते हैं मुझे, मैं अभी आपको बताऊंगी. पहले मुझे बस इसका आंसर जल्दी से बता दो. पीडीएफ की जरूरत नहीं पड़ेगी, दिस वीडियो विल बी सेव्ड हियर. आप कभी भी आके यहाँ पे देख सकते हो रुपेंद्र. ऑलराइट, ओके, सो इसका आंसर है शेर शाह सूरी. दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. रुपया जो कॉइन किया था दैट वॉज बाय शेर शाह सूरी. शेर शाह सूरी से रिलेटेड और क्या क्वेश्चन आ सकता है? एक क्वेश्चन तो ये आ सकता है कि पुराना किला किसने बनाया था? पुराना किला बनाया था शेर शाह सूरी ने. और कई क्वेश्चन आ सकता है कि ग्रैंड ट्रंक रोड, ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है. जीटी रोड जो पेशावर से कलकत्ता इट रन्स, दैट वाज बेसिकली बिल्ट बाय शेर शाह सूरी. ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग. ठीक है, इनके टाइम पे कम्युनिकेशन बहुत अच्छी हो गई थी. ही स्टेड यू नो रूल करने के लिए ही स्टेड देयर फॉर अ वेरी फ्यू ईयर्स, बट काफी कम टाइम में ही हैड अ वेरी नाइस एडमिनिस्ट्रेशन, अ गुड कनेक्टिविटी थ्रू आउट हिज किंगडम. ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से चीजें अबाउट शेर शाह सूरी. शैल वी मूव टू, यस दिन पना, दैट्स राइट. शैल वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 19. ओके, ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन इफकैट में आ गया था जहां आपसे पूछ लिया था कि बैटल ऑफ पानीपत, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत इन विच ईयर वॉज इट फॉट. यू जस्ट हैव टू टेल मी द ईयर, देन आई विल टेल यू सर्टेन थिंग्स अबाउट यू नो दीज फोर ऑप्शन. 28 को एग्जाम है, परसों एग्जाम है, कोई बात नहीं, कल का दिन है ना. बिल्कुल वीडियो से क्वेश्चन आएंगे प्रियंका, बिल्कुल आएंगे. आई एम सो श्योर कि ये जो वीडियो है यहाँ से आप पक्का क्वेश्चन लेके जाओगे एज फार एज हिस्ट्री इज कंसर्न. ठीक है, स्टैटिक हिस्ट्री का क्वेश्चन आएगा, यू विल बी एबल टू डू इट. सो इस सेशन में मैक्सिमम अपना इनपुट देने की कोशिश करते रहो.
ऑल राइट, सो यू आर टेलिंग मी सेकेंड बैटल 1526 में हुआ था. आई एम आस्किंग सेकेंड गाइस, नॉट फर्स्ट. राइट, इट इज 1556. पहला बैटल हुआ था पानीपत का, जो पहला बैटल था दैट वॉज इन 1526. पानीपत का दूसरा बैटल वॉज इन 1556. पहला तो वी नो दैट इट वॉज फॉट बिटवीन बाबर एंड यू नो इब्राहिम लोडी के बीच में ये हुआ था, है ना, दैट वी नो. सेकेंड बैटल हुआ था हेमू वर्सेस अकबर के जगह पे उनके रिप्रेजेंटेटिव उस टाइम पे थे बैरम खान. ठीक है, तो आप इसको बैरम खान मान सकते हो और ब्रैकेट में लिख लो अपने पास अकबर, दिमाग में याद कर लो. सेकेंड बैटल वॉज देयर. और जो यू नो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत था दैट हैपेंड इन 1761 एंड इट वॉज फॉट बिटवीन मराठास वर्सेस होम वर्सेस दुरानी. ठीक है, तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मोस्टली फर्स्ट और सेकेंड आता है किसके बीच में लड़ा था और कौन से ईयर में लड़ा था, दैट इज इंपॉर्टेंट. अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने आपको सी ऑप्शन में एक और ईयर दिया है 1576. कोई मुझे बता सकता है कि 1576 में कौन सा फेमस बैटल था? क्विकली लेट मी सी. हल्दी घाटी, ग्रुप इज टेलिंग मी हल्दी घाटी. येस, इट वॉज बैटल ऑफ हल्दी घाटी. अगेन दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, पूछ सकते हैं इफ कैट वाले आपको कि हल्दी घाटी का बैटल कब हुआ था. 1576 में हुआ था और किस किस के बीच में हुआ था. इट वॉज बेसिकली राणा प्रताप और उनके ऑपोजिट उस टाइम पे कौन थे, मानसिंह थे. मानसिंह जो है वो अकबर की तरफ से ही लड़ रहे थे ऐसा मान लो. ठीक है, तो अकबर की तरफ से मानसिंह लड़ रहे थे उस टाइम पे. सो दैट वॉज बैटल ऑफ हल्दी घाटी. ऑल राइट, सो दीज आर इंपॉर्टेंट बैटल्स जो हमने एक ही क्वेश्चन में कवर कर लिए हैं. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 20 क्विकली. ऑल राइट, सो आई टोल्ड यू 9 जेवल्स थे चंद्रगुप्त टू के टाइम पे भी, 9 जेवल्स थे अकबर के कोर्ट में भी. और इससे क्वेश्चन डायरेक्ट आया हुआ है. ठीक है, इस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि कौन आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस कौन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस कौन नहीं है. आई हैव गिवन यू द क्वेश्चन कि आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस कौन नहीं है. वन ऑफ देम इज नॉट द नाइन, वन ऑफ देम इज नॉट अमंग्स द 9 जेवल्स ऑफ अकबर्स कोर्ट. हु इज ही, यू हैव टू टेल मी. जल्दी बताओ, अब्दुल रहीम खाने खाना, भगवान दास, तुलसी दास या मुल्ला दो प्याजा. जल्दी से बता दो मुझे. बी डी सी दो प्याजा सब मिल रहे हैं मुझे. मुझे एक आंसर चाहिए. किस पे ज्यादा कॉन्फिडेंट हो ना, कंफ्यूजन हो सकती है. भगवान दास काफी हिंदू नेम लग रहा है तो लगेगा कि वो क्या ही करेंगे उनके कोर्ट में, बट दैट इज नॉट ट्रू. ठीक है, हिंदू भी थे उनके में, मानसिंह, तोडरमल, भगवान दास, ये लोग थे उनके कोर्ट में. येस, द आंसर इज तुलसीदास. तुलसीदास जो है वो अकबर के टाइम के पोएट जरूर थे लेकिन वो उनके 9 जेवल्स में काउंट नहीं होते थे. ठीक है, सो दैट इज वेरी माइनर टेक अवे हियर. आपने अगर कहीं पढ़ लिया होगा तुलसीदास वॉज देयर इन द टाइम्स टाइम ऑफ अकबर तो आप शायद कंफ्यूज हो सकते हो, बट रिमेंबर दैट ही वॉज नॉट वन ऑफ द 9 जेवल्स. नवरत्न जो है अकबर के कोर्ट के वो नहीं थे. इनके अलावा ये तीनों तो थे ही, और कौन कौन थे अदर नवरत्न, बीरबल, तोडरमल, मानसिंह, तानसेन, अबुल फैजल और फैजी. ठीक है, ये लोग भी थे आउट ऑफ द 9 जेवल्स. क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है. ठीक है, तो ये नाम जो है एक बार ट्राई टू रिटेन दीज नेम्स इन योर माइंड. ठीक है, इसके अलावा आई जस्ट हैव टू क्विकली टेल यू कि अबुल फैजल के अकबर नामा और एन ए अकबरी, ये क्वेश्चन आ गया था कि एन ए अकबरी, हु रोट एन ए अकबरी, इट इज अबुल फैजल. डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इफ कैट में, बहुत इन डेप्थ कोई नहीं जाता है. ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा. इसके अलावा आई जस्ट हैव टू टेल यू वन मोर थिंग एक्चुअली तुलसीदास के बारे में. यस, तुलसीदास के बारे में यहाँ पे कोई कंफ्यूज हो गया था रामायण के लिए, किसी ने तुलसीदास बोल दिया. तो रिमेम्बर कि तुलसीदास ने रामायण नहीं लिखी थी, वो वाल्मीकि ने लिखी थी. तुलसीदास ने लिखी थी रामचरितमानस. तो अगर क्वेश्चन रामचरितमानस आता है तो तुलसीदास, अगर सिर्फ रामायण आता है तो वाल्मीकि. इसके अलावा क्या करना है, ठीक है, दैट इज ऑल फॉर दिस वन. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 21, शैल आई दिस क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज कॉल्ड द पादशाह बेगम. पादशाह बेगम किसको बुलाया जाता था, क्विकली टेल मी. काफ़ी यू नो इम्पॉर्टेंट है, फीमेल रूलर्स जो हैं उनके, रूलर्स नहीं है बेसिकली, कोई भी अगर फीमेल है मुगल पीरियड की, एक दो ही हैं, उन्होंने एक दो ही काम कर रखे हैं, वही डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है और वही मैं आपको यहाँ पे करवा रही हूँ. ठीक है, यू हैव टू टेल मी पादशाह बेगम किसको बुलाया जाता था, जल्दी से बताओ मुझे. Yes, it is B, Noorjahan. Noorjahan को पादशाह बेगम बुलाया जाता था. ठीक है, इसके अलावा now Noorjahan was basically wife of whom? Wife of Jahangir. Jahangir की wife थी
जहांगीर इनसे बहुत प्यार करते थे और इनको पादशाह बेगम बना के अपने सर पे बिठा रखा था। इसके अलावा ए रजिया सुल्ताना इज इम्पोर्टेंट क्योंकि ये पहली पहली एंड ओनली मुस्लिम रूलर रही थी दिल्ली सल्तनत के टाइम पे। हरकाबाई क्यों इम्पोर्टेंट है? हरकाबाई वॉज वाइफ ऑफ अकबर। जोधा अकबर मूवी देख के कंफ्यूज मत हो जाना, जोधा बाई जो थी वो हरका बाई नहीं, बेसिकली जोधा बाई तो बहू थी अकबर की, नॉट वाइफ, इट इज हरका बाई, ठीक है। इसके अलावा गुलबदन बेगम भी इम्पोर्टेंट है। गुलबदन बेगम क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये बहन है किसी की, किसकी बहन है? ये बहन है हुमायूं की, एंड शी इज फेमस वाई, बिकॉज शी रोट हुमायूं का हुमायूं नामा, दैट इज हिज बायोग्राफी। तो हुमायूं की बायोग्राफी हुमायूं नामा किसने लिखी थी? गुलबदन बेगम, तो ये भी याद रख लेना। तो एक एक क्वेश्चन से यू आर गेटिंग फोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग। ऑल राइट, परफेक्ट, यू गाइज नो ऑलरेडी एवरीथिंग, आई डोंट नो व्हाई यू हैव टू वरी फॉर एग्जाम, ठीक है, सब तो आता है तुम्हें, गुड। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 22, विजिटर्स ऑफ कोर्ट इंपॉर्टेंट है किनके? सिर्फ जो मैंने आपको वहां बता दिया था दिल्ली सल्तनत में, उसके अलावा यहाँ रूलर्स जो हैं इनके बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे मुगल के जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, मुगल के कंटेम्प्रेरी शेरशाह इंपॉर्टेंट है। सिर्फ इनके पार्ट से क्वेश्चन मैंने आपको उठा के डाल दिए, इसके अलावा मोस्टली इसके अलावा कुछ आएगा नहीं, ठीक है। यस, कैप्टन विलियम हॉकिंस एंड सर थॉमस रॉ, ये किसके कोर्ट में इन्होंने विजिट किया था? इट वॉज एक्चुअली सी जहांगीर, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट हियर, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है ये तो काफी, ठीक है। इसी के बाद ब्रिटिश ब्रिटिश ब्रिटिशर्स की जो कंपनी सेटल होने लग गई थी वो इसी के बाद सब कुछ शुरू हुआ था, ठीक है। मूविंग टू 23, सिख गुरुज इंपॉर्टेंट है, और उनमें भी सारे सिख गुरु इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ कुछ सिख गुरु इंपॉर्टेंट है, वो भी वही इंपॉर्टेंट है, या तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट है या लास्ट इंपॉर्टेंट है, या किसी सिख गुरु का मुगल्स के साथ कुछ इन्वॉल्वमेंट रहा है तो वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यू हैव टू टेल मी हु इज द फिफ्थ सिख गुरु, आई एम नॉट आस्किंग यू द फर्स्ट नॉट द लास्ट, द फिफ्थ वन स्पेसिफिक, यू हैव टू टेल मी, जल्दी से बताओ। यस, ईस्ट इंडिया कंपनी, दैट क्वेश्चन इज डन। अर्जुन देव, यस, गुरु अर्जुन वॉज द फिफ्थ सिख गुरु। इनमें से फर्स्ट कौन है? फर्स्ट है गुरु नानक जी, लास्ट कौन से हैं? गुरु गोविंद जी। अमरदास है एक्चुअली थर्ड, ठीक है। तो लास्ट वॉज टेंथ, टेंथ वॉज लास्ट, ये भी पूछ लिया था, लास्ट गुरु कौन थे, फर्स्ट गुरु कौन थे, नानक है लास्ट गुरु, गोविंद है टेंथ। इसके अलावा नाइन्थ वाले भी इंपॉर्टेंट है, नाइन्थ वाले कौन थे? नाइन्थ वाले थे गुरु तेग बहादुर, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सिख गुरुज ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि नाइन्थ वाले का इन्वॉल्वमेंट, टेंथ वाले का इन्वॉल्वमेंट और फिफ्थ वाले का इंपॉर्टेंट मुगल्स के साथ था, ठीक है। मुगल्स में फिफ्थ वाले जो सिख गुरु थे उनका इन्वॉल्वमेंट जहांगीर के साथ था, और बाकी के नाइन्थ और टेंथ का इन्वॉल्वमेंट औरंगजेब के साथ था। अब आपको बहुत इन डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है क्या इन्वॉल्वमेंट था क्या नहीं, बस इतना याद कर लो, दैट इज मोर देन इनफ। ऑल राइट, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 24, पिकॉक थ्रोन, ये तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है इपकैट वालों का। पिकॉक थ्रोन किसने कमीशन किया था, किसके टाइम पे इट वॉज लाइक पहली बार यूज होना शुरू हुआ था, यू हैव टू टेल मी, जल्दी से बताओ। इज इट जहांगीर, हुमायूं, औरंगजेब या शाहजहां? जल्दी से बता दो, शाहजहां, यू श्योर? यस, इट इज डी, शाहजहां, ठीक है। शाहजहां के टाइम पे कमीशन हुआ था, फिर इस पिकॉक थ्रोन को एक्चुअली कोई चुरा के ले गया था, पिकॉक थ्रोन को और कोहिनूर को कोई चुरा के ले गया था, जब मुगल के रूलर एट दैट टाइम वॉज एक्चुअली मोहम्मद शाह, ठीक है। मोहम्मद शाह जब रूलर थे तब आया था एक चोर, चोर का नाम है नादिर शाह, ठीक है। नादिर शाह आया और अपने साथ पिकॉक थ्रोन और कोहिनूर लेकर चला गया, ठीक है, ये चीज भी याद रख लेना, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं यहाँ से। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 25, जल्दी से, निकनेम्स या जो दूसरे टाइटल दिए जाते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इफ कैट में। अगेन आई एम हियर विद अनदर क्वेश्चन जहाँ पे टाइटल पूछा है कि जिंदा पीर, द लिविंग सेंट, किसको कहा जाता था, किसका टाइटल था, बता दो मुझे जल्दी से। इज इट ख्वाजा बाकी बिल्ला, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, औरंगजेब या बहादुर शाह? यस, इट इज सी, औरंगजेब, ठीक है। उनकी डेथ के बाद उनको ये नाम दिया गया था, ये टाइटल दिया गया था, जिंदा पीर। इसके अलावा जो चिश्ती हैं इनको अकबर बहुत मानते थे, ठीक है, चिश्ती की दरगाह जो है वो अकबर ने बनवाई थी, ये चीज भी याद रख लेना, बाकी यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। जिंदा पीर, द लिविंग सेंट, औरंगजेब, क्वेश्चन आए टिक मार देना। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 26 नाउ, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज गिवन द टाइटल ऑफ राज कवि बाय अकबर? आई टोल्ड यू अकबर के थे नौ रत्न,
है ना, तो उन्होंने उनमें से किसी अपने एक प्यारे रतन को दिया था ये टाइटल राजकवि। इज इट बीरबल, फैजी, कलीम या हरि विजय सूरी? जल्दी से मुझे बता दो इसका आंसर क्या होगा, विच इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। बीरबल, समन इज टेलिंग मी बीरबल, समन इज टेलिंग मी फैजी। ऑल राइट, सो आई एम गेटिंग मैक्सिमम बी फैजी, विच इज द करेक्ट आंसर हियर। ठीक है, उनको राजकवि का टाइटल दिया था अकबर ने। अब यहाँ पे एक छोटा सा टेक है कि कलीम जो है ये भी एक कवि थे और इनको भी राजकवि का टाइटल मिला हुआ था। बट कंफ्यूजन यहाँ ये नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि यहाँ अकबर स्पेसिफिक पूछा है और कलीम को राजकवि का जो टाइटल दिया था वो एक्चुअली किसने दिया था? शाहजहां ने दिया था। ठीक है, इसलिए वी आर नॉट गोइंग विद ऑप्शन सी, वी आर रादर गोइंग विद ऑप्शन बी। बीरबल को भी एक प्यार से उन्होंने टाइटल दिया हुआ था, उनको बुलाते थे कवि प्रिय। ठीक है, प्रिय फेवरेट थे वो अकबर के, बीरबल। ठीक है, इसके अलावा हरि विजय सूरी ये भी अकबर के टाइम के हैं और इनको भी नाम दिया हुआ था, अकबर ने एक टाइटल दिया था, इनका टाइटल था जगत गुरु। तो आप ये चीजें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से याद कर लो। ठीक है, बीरबल वॉज कवि प्रिय, फेवरेट प्रिय, राज कवि वॉज फैजी, अकबर ने दिया था, और हरि विजय सूरी को जगत गुरु अकबर ने दिया था। इसके अलावा अगर कलीम आ जाता है राजकवि तो उनको ये नाम शाहजहां ने दिया था। दैट इज इट। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 27, हुमायूं तोम वॉज बिल्ट बाय? ठीक है, मुझे आप बताओ हुमायूं का तोम किसने बनाया है? इट इज इन दिल्ली, राइट? किसने बनाया है हुमायूं तोम, जल्दी से बता दो मुझे। मॉडर्न पे आएंगे रुपिंदर, डोंट वरी। अभी मुझे जल्दी से रुपिंदर इसका आंसर बता दो आप। हुमायूं तोम वॉज बिल्ट बाय होम? बी, इज इट गुलबदन बेगम? आई एम गेटिंग गुलबदन। अच्छा ठीक है, यू आर टेलिंग मी इट इज हाजी बेगम, समवन इज टेलिंग मी हाजी बेगम। यस इट इज ए, हाजी बेगम। ठीक है, शी वॉज विडो, विडो ऑफ हुमायूं। उन्होंने हुमायूं का मकबरा, हुमायूं टोम, शी बिल्ट, शी गॉट इट बिल्ट। ठीक है, इसके अलावा गुलबदन बेगम, आई टोल्ड यू, ये तो हुमायूं की सिस्टर थी, राइट? सिस्टर ऑफ हुमायूं, जिन्होंने क्या लिखा था? हुमायूं नोमा। वी हैव डिस्कस्ड इट इन आर प्रीवियस क्वेश्चन, हुमायूं नामा। तो ये याद रख लेना। ठीक है, मैंने बोला कि मुगल के टाइम के जो फीमेल्स हैं उन्होंने इक्के दुक्के काम किए, एक दो काम किए हुए, जो किए हुए वो इंपॉर्टेंट है। तो हाजी बेगम इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि उन्होंने हुमायूं की तोम बनवा दी थी। हो गया ये वाला, गुड। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 28, पॉलिसी ऑफ ब्लू वॉटर। ठीक है, पॉलिसी ऑफ ब्लू वॉटर इंट्रोड्यूस करी थी, एक पोर्चुगीज आए थे इंडिया में। ठीक है, इंडिया में पोर्चुगीज आए थे एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, तो उनमें से किसी एक ने पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर दी थी। तो यू हैव टू टेल मी आउट ऑफ दीज ऑप्शंस, वास्को डी गामा, फ्रांसिसो डी अल्मीडा, नीनो दा कुन्हा, अल्फोंसो डी अल्बुकर्क, वॉट एवर द नेम इज, इनमें से कौन है जिन्होंने पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर दी थी? आई एम गेटिंग सी, आई एम गेटिंग डी, टेल मी वन फाइनल आंसर। बी भी मिल रहा है, ए भी मिल रहा है, बट आई गेस बी मैक्सिमम मिल रहा है। ऑल राइट, बी ही एक्चुअली इसका आंसर है। जो अल्मीडा साहब हैं इन्होंने दी थी पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर। इसके अलावा इन चारों ऑप्शन में से अलीगामा वॉज द फर्स्ट पोर्चुगीज जो आए थे केप ऑफ गुड होप के थ्रू ही रीच्ड इंडिया। देन देयर वॉज अल्मीडा हु गेव, यू नो, ही वॉज द फर्स्ट पोर्चुगीज गवर्नर। ठीक है, ये याद रखना, ही वॉज द फर्स्ट पोर्चुगीज गवर्नर जिन्होंने दी थी पॉलिसी ऑफ ब्लू वॉटर। इसके अलावा जो डी ऑप्शन है, अल्फोंसो है, अल्फोंसो ने क्या किया था? अल्फोंसो ने भी एक पॉलिसी दी थी जिसको कहा जाता है पॉलिसी ऑफ इंपीरियलिज्म। ठीक है, तो ये यहाँ से टेकअवेज हैं। फर्स्ट पोर्चुगीज गवर्नर कौन था? अल्मीडा। उन्होंने दी थी पॉलिसी ऑफ ब्लू वॉटर। पॉलिसी ऑफ इंपीरियलिज्म किसने दी थी? अल्फोंसो। ठीक है, तो ये यहाँ से इंपॉर्टेंट है। वास्को डी गामा वॉज द फर्स्ट पोर्चुगीज हु रीच्ड इंडिया। ठीक है, या पीसफुल ट्रेड, वेरी वेल डन प्रिंस। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 29, दिस शुड बी क्वेश्चन नंबर 29।
डैश साइटेड बुक विच वॉज टाइटल्ड पोवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ड्रेन ऑफ वेल्थ कहा था ब्रिटिशर्स के लिए, उन्होंने रेफर किया था कि ब्रिटिशर्स जो है वो ड्रेन ऑफ वेल्थ करा रहे हैं, ये थ्योरी दी थी. और अपनी उन्होंने एक बुक भी लिखी है या हिंट दिया है, पोवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया विच वॉज रिटन इन 1867. इस बुक के ऑथर कौन है, इस थ्योरी को किसने साइट किया था, दैट यू हैव टू टेल मी. I have a very bad internet connection today and I apologize for that seriously. I'll make sure that doesn't happen again. I'm not sure what has happened with my Wi-Fi provider, but whatever. I'm so sorry for that. Video is lagging, I know. There is some error. I'll make sure that doesn't happen again from my end. I'll make sure that doesn't happen. I'm extremely sorry for that. Yeah, video is lagging, I understand. Okay, so if you have reached here, I guess you're like getting my audio, but not my video is not proceeding with the same speed. There is some issue for sure. I can try waiting after every question so that you know. But again, lag to rahe gai. All right, bas kaise bhi aaj survive kar lo, theek hai? Question nikal lo jaise nikal sake jaldi se. हाँ, तो यू आर टेलिंग मी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर सी. यू आर टेलिंग मी है ना, दादा भाई नौरू जी, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट विद दिस वन. ही इज द पर्सन जिन्होंने बुक लिखी है पोवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया. ठीक है, इसके अलावा इस ही स्लाइड से कुछ और टेक अवेज है दैट आई वुड वॉन्ट कि आपको पता रहे. ठीक है, सबसे पहली चीज है आरसी दत्ता की भी एक इम्पॉर्टेंट बुक है जो आपको पता होनी चाहिए. वो एक्चुअली जब ड्रेन ऑफ वेल्थ की बात होती है तो वहां पे दो बुक्स इंपॉर्टेंट है. एक तो दादा भाई नौरोजी की, ये हो गई पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया. एक उसी टाइम पे आरसी दत्ता की भी एक बुक थी विच वॉज कॉल्ड इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया. इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है, ये इनकी बुक थी. इसमें भी इन्होंने भी क्योंकि मेंशन किया था ड्रेन ऑफ वेल्थ थियोरी को. ठीक है, इसके अलावा सैयद अहमद खान की एक इम्पॉर्टेंट बुक है जो आपको पता होनी चाहिए, विच इज कॉजेज ऑफ इंडियन रिवॉल्ट. ये 1957 का जो रिवॉल्ट हुआ था उसके बाद लिखी थी सैयद अहमद खान ने ये बुक, कॉजेज ऑफ इंडियन रिवॉल्ट. दादा भाई नौरोजी यू नो बुक है, और किसी ने मुझे अभी कॉमेंट सेक्शन में, चैट सेक्शन में भी बताया दैट ही वॉज कॉल्ड द ग्रैंड ओल्ड मैन, है ना, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया. सो दैट इज ऑल्सो राइट, दैट इज राइट, ही वॉज कॉल्ड ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया. निकनेम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. My video has stuck again. I know this must be like very frustrating, but I cannot risk switching it off again. Anyway, you have D. V.D. Savarkar. V.D. Savarkar ki bhi ek bahut zyada important book hai jo IFCAT mein as it is pooch li thi, which was the Indian वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. ठीक है, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये भी 1857 का जो रिवॉल्ट था उसके बाद की बुक है. तो ये बुक्स और ये ऑथर्स आपको पता होने चाहिए. राइट, 1857, राइट. ठीक है, सो दिस वॉज द क्वेश्चन. यहां से लाइक लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 29. जल्दी से क्वेश्चंस कर लेते हैं. ठीक है, जर्नल है ये बहुत इंपॉर्टेंट, सबद कौमुदी, 1819 में पब्लिश हुआ था. इट इज एसोसिएटेड विद होम, राजा राम मोहन रॉय, रविंद्रनाथ टैगोर, जयप्रकाश नारायण और बाल गंगाधर तिलक. आई नो रीना बहुत खराब है, आई एम वेरी सॉरी अबाउट इट, बट ऑडियो अगर आ रही है तो आई मेक श्योर कि मैं आपको क्वेश्चन रीड करके बताती रहूँ ताकि आप कॉमेंट सेक्शन जल्दी जल्दी फिल कर सको. द जर्नल सबद कौमुदी विच वॉज पब्लिश्ड इन 1819 इज एसोसिएटेड विद राजा राम मोहन रॉय, रविंद्रनाथ टैगोर, जय प्रकाश नारायण और बाल गंगाधर तिलक. वॉट इज द राइट आंसर हियर? Yes, this question should be 30 years.
यस इट इज ए राजा राम मोहन रॉय. और ये शब्द कॉमेडी इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि अबॉलिश जब किया था सती प्रथा को, ये उसके साथ यू नो कनेक्टेड है. तो सती प्रथा, शब्द कॉमेडी और राजा राम मोहन रॉय, ये तीनों चीज आपके दिमाग में एक साथ आनी चाहिए एग्जाम में. इसके अलावा देर आर सर्टेन अदर टेक अवेज फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्लाइड विच आर, रविंद्रनाथ टैगोर का निकनेम क्या था? रविंद्रनाथ टैगोर का निकनेम था गुरुदेव. जयप्रकाश नारायण का निकनेम था, इनको जेपी भी बुलाते थे वैसे तो, लाइक कूल डूड जेपी. और इसके अलावा इनको लोकमान्य भी बुलाया जाता था. ठीक है, नेक्स्ट इज बाल गंगाधर तिलक. बाल गंगाधर तिलक को बुलाया जाता था फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट. ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट लीडर, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, बाल गंगाधर तिलक. ये है इनके बारे में इम्पोर्टेंट चीजें. बाल गंगाधर तिलक के बारे में एक और इम्पोर्टेंट चीज यू हैव टू रिमेम्बर, यस दैट स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शेल हैव इट, इट वॉज सेड बाय बाल गंगाधर तिलक. एंड ही ऑल्सो स्टार्टेड होम रूल लीग अलॉन्ग विद एनी बेसेंट. एनी बेसेंट बेसिकली स्टार्टेड इट सेपरेटली आफ्टर अ फ्यू ईयर्स. न्यूज पेपर्स अगर इनके आ जाते हैं कहीं पे, आपको दिख जाए केसरी या मराठा, तो ये दो न्यूज़पेपर्स किसने स्टार्ट करे थे? बाल गंगाधर तिलक ने. ठीक है, तो ये है यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस. हाँ, नॉट लोकमान्य, इट इज लोकनायक. आई एम सो सॉरी, यस इट इज लोकनायक. थैंक यू सो मच फॉर पॉइंटिंग आउट, इट इज लोकनायक. ठीक है, जल्दी से कर लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 30, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वॉज फर्स्ट सेटअप बाय. ये बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, आएगा तो ऐसे ही आ जाएगा. ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उससे रिलेटेड कुछ कुछ कांग्रेस सेशंस में कुछ ना कुछ होता रहा था. ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वॉज सेटअप बाय, तिलक वॉज नोन एज लोकमान्य एंड जयप्रकाश नारायण एज लोकनायक. यस राइट, दैट्स राइट. बता दो मुझे इसका आंसर जल्दी से. एम आई गेटिंग ओके, यू आर टेलिंग मी इट्स सी नवाब सलीमुल्ला, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. इट इज सी, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वॉज सेटअप बाय नवाब सलीमुल्ला. अब जब इंडियन मुस्लिम लीग की बात करते हैं, तो एक दो छोटी छोटी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए इसके बारे में, विच इज अगर आपको क्वेश्चन में दिखता है मोरले मिंटो रिफॉर्म. ठीक है, तो मोरले मिंटो रिफॉर्म क्या था? समहाउ ये इन्हीं से रिलेटेड है. कैसे रिलेटेड है? 1909 में मोरले मिंटो रिफॉर्म वॉज टारगेटेड एट यू नो मेकिंग श्योर कि सेपरेट इलेक्टोरेट मिल जाए हिंदूज और मुस्लिम्स को. ठीक है, और हमारे लीडर्स ऑब्वियसली उसके साथ हैप्पी नहीं थे. इसके अलावा दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है कि लखनऊ पैक्ट भी इसी से रिलेटेड है. लखनऊ पैक्ट ऑफ 1916, उसमें क्या हुआ था कि हमारी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी और मुस्लिम लीग थी, उनका पैक्ट है ये, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस अग्री कर गई थी कि आप रख लो भाई सेपरेट इलेक्टोरेट रख लो, और मुस्लिम लीग उसके बदले में ये थी कि हमें बस अपने कंट्री के लिए एक डोमिनियन स्टेटस चाहिए. डोमिनियन, ठीक है, अभी भी उनको फुल इंडिपेंडेंस नहीं चाहिए, पूर्ण स्वराज नहीं चाहिए, सिर्फ डोमिनियन रिपब्लिक, डोमिनियन इंडिया, डोमिनियन कंट्री चाहिए. ठीक है, हो गया ये. 31, फाउंडर ऑफ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन दैट इज हसरा, HSRA के फाउंडर कौन है इनमें से? इज इट सचिंद्र नाथ सन्याल, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और लाला हरदयाल? इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है फाउंडर ऑफ HSRA. ठीक है, HRA के साथ कंफ्यूज मत करना. सचिंद्र नाथ सन्याल बेसिकली HRA के थे, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, रिपब्लिकन एसोसिएशन और आर्मी. बट HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, इज एसोसिएटेड विद सी चंद्र शेखर आजाद, उन्होंने किया था. ठीक है, HSRA. इसके अलावा भगत सिंह का भी आपको पता होना चाहिए. भगत सिंह का था भारत नौजवान, भारत नौजवान सभा. ठीक है, BNS, ये है भगत सिंह का. ठीक है, और इसके अलावा लास्ट में लाला हरदयाल भी दिया है. इन्होंने फॉरेन में सेटअप किया था, सैन फ्रांसिस्को में सेटअप किया था. क्या किया था? गदर पार्टी. ठीक
ठीक है, तो इनके ये कुछ फेमस एसोसिएशंस हैं जिनके फाउंडर्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इफकैट पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो गया. मूविंग टू 32 क्विकली, जवाहरलाल नेहरू डिक्लेयर द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज इन विच इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन. INC के सेशन, आई टोल्ड यू इफकैट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. और जो मैंने ऑप्शन में चार आपको सेशन दिए हैं, ये चारों ही अपने आप में किसी ना किसी तरह से इंपॉर्टेंट है. आई टेल यू हाउ, बस मुझे पहले इसका आंसर दिखा दो, बता दो कि पूर्ण स्वराज की डिमांड जब नेहरू जी ने की थी, जवाहरलाल नेहरू ने की थी, तो वो कौन से सेशन में की थी. वॉज इट बेलगांव 1924, लाहौर 1929, गया 1922 और सूरत 1907. Yes, the correct answer is लाहौर 1929, जब उन्होंने पूर्ण स्वराज की पहली बार जो डिमांड थी उसको डिक्लेयर किया था इन दिस पर्टिकुलर सेशन. इसके अलावा आपको क्या याद रखना है, इसके अलावा आपको याद रखना है कि अदर इंपॉर्टेंट सेशंस जैसे कि बेलगाम 1924, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इन दिस सेशन गांधी जी को पहली और आखिरी बार प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया था. तो बेलगाम 1924 आपको इसलिए याद रखना है. गया 1922 क्यों याद रखना है, क्योंकि दैट वॉज वेन द स्वराज पार्टी वॉज फॉर्म्ड. फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी हैपेंड इन द सेशन ऑफ गया 1922. सूरत 1907 क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां हो गई थी लड़ाई, यहां बेचारे कांग्रेस वाले जो है वो बट गए थे, स्प्लिट हो गया था कांग्रेस मॉडरेट्स में और एक्सट्रीमिस्ट्स में. ठीक है, तो इसलिए ये वाला सेशन इंपॉर्टेंट है. इसके अलावा आई हैव टू टेल यू टू मोर सेशंस जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है INC के. एक है कलकत्ता वाला जो हुआ था 1917 में. ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि दिस टाइम एनी बेसेंट बिकेम द फर्स्ट एवर फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ INC. ठीक है, इसके अलावा अनदर सेशन विच वॉज कानपुर में इन द ईयर 1925, यहाँ पे सरोजनी नायडू बनी थी हमारी INC की पहली महिला प्रेसिडेंट इंडियन. ठीक है, एनी बेसेंट वॉज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ INC. सरोजनी नायडू वॉज द फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ द INC. इनके सेशंस कलकत्ता 1917 और कानपुर 1925 को रख लेना याद. ऑलराइट, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 33 नाउ. विच अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट पब्लिश्ड बाय महात्मा गांधी. ठीक है, महात्मा गांधी तो बहुत ज्यादा फेवरेट हैं इफकैट के, इनसे रिलेटेड तो जितना पढ़ लो कम है, पर स्पेसिफिक चीजें पढ़नी है, इन्होंने कौन से पब्लिश क्या क्या किया था वो इंपॉर्टेंट हो जाता है. डायरेक्ट आ जाता है, आपको चार ऑप्शन दे देते हैं, इनमें से कौन सा है, इनमें से कौन सा नहीं है. नाउ यहाँ पे जो चार ऑप्शन आपको दिए हैं वो है इंडियन ओपिनियन, हरिजन, यंग इंडिया और न्यू इंडिया. ये चार ऑप्शंस हैं आपके, एंड यू हैव टू टेल मी विच वन इज नॉट पब्लिश्ड बाय महात्मा गांधी. इट इज डी, इट इज न्यू इंडिया. ठीक है, न्यू इंडिया इन्होंने पब्लिश नहीं किया था, बाकी तीनों महात्मा गांधी ने पब्लिश किया था. न्यू इंडिया को किसने किया था, न्यू इंडिया को किया था बिपिन चंद्र पाल. ठीक है, तो ये भी याद रख लेना, लाल बाल पाल में से पाल जो है उन्होंने किया था न्यू इंडिया को पब्लिश. ठीक है, इजी वन. मूविंग टू 34 क्विकली, इंडियन नेशनल आर्मी INA और आजाद हिंद फौज वॉज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ. नाउ रीड दिस क्वेश्चन केयरफुली, आई एम आस्किंग यू द हु ब्रेन चाइल्ड किसका है ये INA, किन्होंने ये आइडिया डिवाइस किया था. मैं फाउंडर नहीं पूछ रही हूँ, रीफाउंड किसने किया था वो नहीं पूछ रही हूँ, ब्रेन चाइल्ड किनका है ये पूछ रही हूँ. ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, रस बिहारी बोस, मोहन सिंह और सुभाष चंद्र बोस, इनमें से कौन है. यू हैव टू टेल मी ब्रेन चाइल्ड. ठीक है, ब्रेन चाइल्ड किसका था इंडियन नेशनल आर्मी. इंडियन नेशनल आर्मी वॉज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ, यू आर टेलिंग मी राज बिहारी बोस एंड सुभाष चंद्र बोस मिल रहा है, बट यू माइट बी शॉक्ड कि एक्चुअली आंसर सी है, मोहन सिंह. ठीक है, आई एम रिपीटिंग दिस थिंग अगेन कि मोहन सिंह का ब्रेन चाइल्ड था, इन्होंने ये आइडिया पहली बार लाया था कि चलो मिलके इंडियन नेशनल आर्मी बना लेते हैं. और जब इन्होंने ये बात बोली तो राज बिहारी बोस ने वो हो गए इसके ऑफिशियल फाउंडर. ठीक है, यहाँ ये डिफरेंस है, ऑफिशियल फाउंडर हो गए वो इसके इन 1942 में INA वॉज फाउंडेड बाय राज बिहारी बोस. यस, बट इट वॉज ब्रेन चाइल्ड ऑफ मोहन सिंह. सुभाष चंद्र बोस भी इंपॉर्टेंट है INA के लिए. क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने रीऑर्गेनाइज करी थी,
इसमें तीन फाइटिंग आर्म बनाए थे, राइट, रीऑर्गेनाइज करी थी 1943 में INA में, जिसमें तीन फाइटिंग आर्म्स बनाए थे, नेहरू, गांधी और सुभाष। इसके अलावा एक फीमेल का आर्म भी बनाया था आफ्टर द नेम ऑफ रानी लक्ष्मीबाई। तो ये वाली चीज भी आपको याद रखनी है सुभाष चंद्र बोस और INA के बारे में, ठीक है। Perfect. Moving to question number 35, very quickly. This one is pretty easy. Who was the first Governor General of India? First आ जाता है, first Governor General, first General of India, of Bengal, Viceroy, stuff like that can come, and you must be knowing that. Mohan Singh was not founder, Neha. It was his brain. The idea was his that INA बनाते हैं चलो, but founder officially अगर founder पूछा जाए तो go with Raj Bihari Bose. अगर बोला जाए reorganize किसने कही थी तो Subhash Chandra Bose. Alright, so you're telling me first Governor General of India. You're telling it's Warren Hastings. Warren Hastings, all right. If you're telling me it's Warren Hastings, I'll go with you. Yes, it is Warren Hastings. ठीक है? No, 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 it's not Warren Hastings. मैं भी क्या यार, तुम गलत गलत ऑप्शन बताते हो. Yes, it's C. It's Lord William Bentinck. ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है. इन सबको एक बार जल्दी से देख लेते हैं ऑप्शंस को. मान लो पहले है, सबसे पहले दिए मैंने आपको लॉर्ड क्लाइव. ठीक है, लॉर्ड क्लाइव को कैसे याद रखना है कि ये है सबसे छोटे पद पे, ये है सिर्फ गवर्नर. गवर्नर कहाँ के? सिर्फ बंगाल के. उसके बाद वॉरेन हेस्टिंग्स आए, लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, जिन्होंने बोला अरे गवर्नर छोड़ो, गवर्नर जनरल बन जाते हैं बंगाल के. ठीक है, फिर आए बेंटिक जी. बेंटिक ने बोला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल क्या होता है, करना है तो कुछ बड़ा करते हैं, गवर्नर जनरल बन जाते हैं इंडिया के. ठीक है, और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, राइट. तो दैट वाज बेंटिक. एंड फाइनली आ गए कैनिंग. कैनिंग ने बोला गवर्नर जनरल वगैरह सब छोड़ो, मैं बनूंगा वाइस रॉय. तो ये है सबसे पहले वाइस रॉय ऑफ होल ऑफ इंडिया. ठीक है, सो दिस वे यू कैन रिमेंबर दिस थिंग. हो गया ये. इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 36, जहां मैं आपसे पूछ रही हूँ विच इज द हाईएस्ट लेक इन इंडिया. हाईएस्ट लेक यू हैव टू टेल मी. लेक्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. ठीक है, इफ कैट में हाईएस्ट, डीपेस्ट, लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट ऑफ इंडिया, ऑफ वर्ल्ड, उसमें भी क्लासीफाई कर दिया उन्होंने सॉल्ट वाटर लेक, ब्रैकिश, फ्रेश वाटर. सो मेक श्योर यू गो थ्रू दिस लिस्ट ऑफ लेक्स. स्पेसिफिकली इंडिया का तो कर ही लो, वर्ल्ड के आने से ज्यादा चांसेस होते हैं इंडिया के. आई एम आस्किंग यू हाईएस्ट लेक. ठीक है, इज इट वुलर, इज इट चुलामू, इज इट लोनर और इज इट विम्बानर. यस, इट इज बी, चुलामू. ठीक है, सिक्किम में लोकेटेड है एंड दिस इज द हाईएस्ट लेक. वुलर इज एक्चुअली द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक. ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे. और लोनर लेक जो है महाराष्ट्र में, दैट इज, ये क्वेश्चन आ गया था है ना, क्रेटर लेक पूछ लिया था, तो दैट वॉज एक्चुअली लोनर. और विम्बानर अगर आता है तो दैट इज द लॉन्गेस्ट लेक. ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे लेक्स पता होनी चाहिए इफ कैट पॉइंट ऑफ व्यू से. इसके अलावा और क्या आ सकता है ज्योग्राफी से? इंटरनेशनल डेट लाइन पासिस थ्रू विच ओशन? इंटरनेशनल डेट लाइन, प्राइम मेरिडियन, टाइम मेरिडियन. ठीक है, ये कौन से ओशन से जाती है, कौन से कंट्रीज से जाती है या कौन से कॉन्टिनेंट से जाती है? ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर यू नो इफ कैट. सो डू प्रिपेयर दीज क्वेश्चंस. कोई मुझसे पूछ रहा था ना स्टार्टिंग में कि ज्योग्राफी के लिए क्या करना है, ज्योग्राफी के लिए यही वाले टॉपिक्स करने हैं. लेक्स कर लेना, ठीक है, रिवर्स, माउंटेन रेंजेस कर लेना, इंटरनेशनल डेट लाइन, प्राइम मेरिडियन कहाँ कहाँ से, इसके अलावा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, इक्वेटर कहाँ कहाँ से पास करता है, कौन कौन से कंट्रीज से, दैट इज इंपॉर्टेंट. सो येस, फॉर दिस वन यू आर टेलिंग मी इट्स पैसिफिक ओशन, दैट इज एब्सोल्यूटली करेक्ट. ठीक है, इंटरनेशनल डेट लाइन 180 डिग्री पे है, दैट इज पासिंग थ्रू पैसिफिक ओशन, एब्सोल्यूटली करेक्ट. मूविंग टू 38, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? इट इज हेडक्वार्टर एट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके हेडक्वार्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज इफ कैट के लिए. ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो, WHO हो, ASEAN हो गया, SAARC हो गया, यूरोपियन यूनियन, अफ्रीकन यूनियन, नाटो, जितने भी ये हैं इनके हेडक्वार्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेक श्योर आपको पता हो. फॉर दिस वन यू आर टेलिंग मी इट्स जेनेवा. येस, जेनेवा स्विट्जरलैंड, इट इज करेक्ट. WTO का हेडक्वार्टर इज एट जेनेवा. इसके अलावा मुझे बता दो न्यूयॉर्क में किसका हेडक्वार्टर है, मोस्ट फेमस न्यूयॉर्क में किसका है? न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क में है UN का, एब्सोल्यूटली करेक्ट. जकार्ता में भी किसी का है, बहुत ही ज्यादा फेमस. जकार्ता में किसका है?
जकार्ता में किसका है गाइस, मुझे बताओ, फेमस किसका हेडक्वार्टर इज इन जकार्ता, इंडोनेशिया। एसियान, ऑल राइट, जकार्ता में है एसियान का, ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा पेरिस में तो क्या बहुत सारे हैं, ठीक है, और इसके अलावा आपको पते और किसके होने चाहिए, नाटो का पता होना चाहिए। नाटो का कहाँ पे है, नाटो का है ब्रुसेल्स में, ठीक है। ओपेक का कहाँ पे है, ऑस्ट्रिया में, वीना में, ठीक है। और क्या है, सार्क, सार्क का भी आ सकता है, सार्क का कहाँ पे है, काठमांडू नेपाल में। और किसका आ सकता है, एक बारी एडीबी का आ गया था, एशियन डेवलपमेंट बैंक का, वो कहाँ पे है, फिलीपींस में। देयर इज दिस प्लेस कॉल्ड मंडल यू योंग, ठीक है, ये फिलीपींस में एक जगह है, एडीबी का हेडक्वार्टर वहां पे है, ठीक है। सो दीज आर सम बेसिक हेडक्वार्टर्स विच आई हैव पॉइंटेड आउट हियर। इसके अलावा आप और भी देख लेना, अफ्रीका का है, अफ्रीकन यूनियन का है, एडिस अबाबा, ठीक है, तो ऐसे आपको पता होनी चाहिए फॉर इफ कैट। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 40, हिरोशिमा डे, फेमस डेज आ जाते हैं ये, काफी अनप्रेडिक्टेबल है, लास्ट फ्यू डेज में बहुत सारे डेज हैं, आप सारे तो कर नहीं सकते हो, मुझे बस एक लगा थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगस्त में ही अकर कर रहा है तो शायद ये आ जाए, प्रोबेबली जुलाई जून मई के डेज आप इंपॉर्टेंट देख सकते हो, ठीक है। इसका बता दो, हिरोशिमा डे इज ऑब्जर्व ऑन, इज इट 6 अगस्त, 8 अगस्त, 9 अगस्त और 10 अगस्त। बिम्स्टेक ढाका, वेल डन। 6 अगस्त, यस इट इज 6, हिरोशिमा डे 6 अगस्त को मनाया जाता है। इसके साथ, इस न्यूक्लियर अटैक के साथ, अगेन देयर इज दिस अनदर इंफॉर्मेशन दैट यू शुड बी नोइंग, जो बॉम्ब्स थे उनके निकनेम रखे थे, ये एक बारी पूछ लिया था, शायद सीरियस में पूछा था वैसे, बट इफ कैट वाले क्योंकि इधर उधर से क्वेश्चन चुराते हैं बाकी पेपर से, तो शायद चुरा ले। लिटिल बॉय और फैट बॉय नाम रखा हुआ था, फैट बॉय को उन्होंने छोड़ा था नागासाकी पे, ठीक है, ऑगस्ट में, और लिटिल बॉय को छोड़ा था हिरोशिमा पे। सो दिस थिंग यू शुड बी नोइंग। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 41, विच इज प्रोबेबली द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, यू हैव टू टेल मी एनसीसी वॉज फॉर्म्ड इन विच ईयर, 1835, 1939, 1948 और 1969। एनसीसी वॉज फॉर्म्ड इन विच ईयर, येस दैट्स नॉट फैट बॉय, इट्स फैट मैन, एब्सोल्युटली करेक्ट, येस, थैंक यू फॉर पॉइंटिंग इट आउट, फैट मैन एंड लिटिल बॉय, फैट मैन ऑन नागासाकी एंड लिटिल बॉय ऑन हिरोशिमा। नाउ क्विकली टेल मी एनसीसी वॉज फॉर्म्ड इन विच ईयर, यू आर टेलिंग मी इट्स 1948, ऑल राइट, इफ यू आर टेलिंग मी इट्स 1948 देन इट इज 1948। अपार्ट फ्रॉम एनसीसी आपको पता होने चाहिए बाकी के जो हमारे पास इंटरनल सिक्योरिटी के लिए फोर्सेज बने हैं वो कब कब बने हैं, 1835 में बना था आसाम राइफल्स, 1939 में CRPF और 1969 में CISF। इसके अलावा BSF है, ITBP है, उनके भी आपको पता होने चाहिए फाउंडिंग ईयर्स, ठीक है। गुड, सो दैट वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड इन दिस पर्टिकुलर सेशन, क्योंकि टाइम बहुत कम है तो मैं कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस करा पाई, पर हिस्ट्री के आई एम टेलिंग यू जो भी टॉपिक्स मैंने उठाए हैं उन्हीं टॉपिक्स से क्वेश्चन आएंगे, अपने एंड पे सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिए। एंड इफ यू आर वर्ड अबाउट ज्योग्राफी, तो आई हैव गिवन यू सर्टेन हिंट्स हियर कि आप ज्योग्राफी के लिए प्लैनेट्स और उनके मून्स के नाम जरूर याद कर लेना, इंपॉर्टेंट स्टार्स जो हैं प्रॉक्सिमा सेंचुरी और ये सब वो एक बार देख लेना, हमारी गैलेक्सी, हमारे पास वाली जो गैलेक्सी है उसको एक बार उनका सिर्फ नाम देखना है, ठीक है, इन डेप्थ कुछ मत पढ़ने लग जाना, सिर्फ आपको नाम देखना है, ठीक है। इसके अलावा आई टोल्ड यू इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, प्राइम मेरिडियन, इंटरनेशनल डेट लाइन, टाइम लाइन, ये सब कौन कौन से कॉन्टिनेंट से, कौन से ओशन से, कौन से कंट्रीज से पास थ्रू करती है, दैट यू शुड बी नोइंग क्विकली, बस उसको एक बार ही देख लेना, रिटेन दैट इन योर माइंड। इसके अलावा कंट्रीज के कैपिटल्स एंड करेंसीज, आई हैव बीन टेलिंग यू दिस फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, आई रियली होप कि आपने अभी तक याद कर लिए हैं, नहीं करें तो प्लीज कर लो, क्योंकि यहाँ से सीधा आपके 6 मार्क्स आएंगे, 3 मार्क का कैपिटल आएगा ही आएगा, 3 मार्क की करेंसी आएगी, एक को रीजनिंग में डाल देंगे, एक को GS में डाल देंगे, पर आएगा ही आएगा फॉर श्योर। इंपॉर्टेंट लेक्स ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड आई टोल्ड यू, इसके अलावा माउंटेन पीक्स हो गई, रिवर्स हो गई, दैट ऑल्सो बिकम्स इंपॉर्टेंट, बिगेस्ट, लार्जेस्ट, डीपेस्ट, स्टफ लाइक दैट।
और स्टैटिक जीके में जो भी स्पोर्ट्स है, अवार्ड्स हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वैशाली मैम के वीडियो में बहुत अच्छे से कवर हुए हैं. सो मेक श्योर कि अगर आपके पास टाइम कम है, बुक्स में से पढ़ने का टाइम नहीं है, इन वीडियोस में स्पेसिफिक चीजें देख लीजिए, कोई ना कोई क्वेश्चन पक्का अटक जाएगा. ठीक है, सो दैट वॉज ऑल फ्रॉम माई एंड. इफ यू हैव एनी यू नो पर्टिकुलर क्वेश्चन फॉर मी पर्टेनिंग टू दिस सेशन और रिगार्डिंग योर इफ कैट, इफ यू वरीड अबाउट एनीथिंग, जस्ट लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन. आई नो देर वॉज सर्टन यू नो टेक्निकल इशूज टूडे, आई मेक श्योर ऐसा कुछ दोबारा ना हो. आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट एंड थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग इन टैक्ट, स्टेइंग देयर विद मी, फॉर सपोर्टिंग दिस सेशन, एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग इट एंड ब्रिंगिंग ओवर मैक्सिमम ऑफ योर फ्रेंड्स. आई नो दैट द इफ कैट एग्जाम स्टार्ट्स डे आफ्टर टुमारो, बहुत ज़्यादा बहुत चीज़ें चल रही होंगी मन में, बट इंपॉर्टेंट है खूब सारा पानी पियो, खूब सारा रेस्ट लो, टेंशन नहीं लेनी है, आपको जो आता है वो आता है. लास्ट डेज में कुछ न्यू पढ़ने की कोशिश मत करना. ये जो स्पेसिफिक टॉपिक्स मैंने आपको जीएस के लिए बताए हैं प्लीज़ ये कर लो, पॉलिटी छोड़ देना, पॉलिटी में कुछ बहुत ज़्यादा आता नहीं है. ज्योग्राफी और हिस्ट्री में जो मैंने चीज़ें बताई हैं ये कर लो. मिसलेनियस में आप क्या क्या कवर कर सकते हो, स्पोर्ट्स हो गया, अवार्ड्स हो गया, जो अभी मैंने चीज़ें बताई वो हो गई. उसके अलावा हमारे फोक डांस जो हैं आप एक बार देख लेना, ठीक है, फोक डांस कौन से हैं वो देख लेना. इसके अलावा कौन से कॉन्टिनेंट में कितनी कंट्रीज पड़ती हैं ये देख लेना, जैसे यूरोप में 44 है, एशिया में 48 है, सो यू शुड बी नोइंग, वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है. ठीक है, तो दीज आर लाइक द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दैट यू कैन एक्सपेक्ट इन योर एग्जाम. दिस और वीडियोज अपलोड होगी, विल विल ट्राई. वैसे तो क्योंकि परसों से एग्जाम शुरू हो रहा है, आई वुड रादर वॉन्ट कि कल यू गिव टाइम टू योर सेल्फ, मेरे साथ टाइम वेस्ट मत करना. आपको जो ये स्पेसिफिक बता दिया है बैठ के बस ये स्पेसिफिक चीजें कर लो. मैथ्स और रीजनिंग के हमने बहुत ही अच्छे सेशंस कवर किए, उसमें भी मैंने आपको सिर्फ स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ क्वेश्चन जो आते हैं इफ कैट में वो कराए हुए हैं. ठीक है, सिर्फ उतना आपने करना है. इंग्लिश के लिए एंटोनिम सिनोनिम इडियम फ्रेजेस के लिए क्या करना है, गूगल पे जाना है, टाइप 100 मोस्ट आस्क्ड एंटोनिम्स synonyms, idioms and phrases, you'll get direct PDFs there. उन PDFs को एक बार फटाफट से स्क्रॉल करके गो थ्रू कर लेना, तो समथिंग विल रिटेन इन योर माइंड. ठीक है, एफ कैट वाले जो है वो idiom phrases कैसे, एक ऐसा कुछ आता ही है, ईयर वाला, हैंड वाला, शोल्डर वाला, जहाँ पे बॉडी पार्ट मेंशन हो रहा है वो वाला idiom phrase कुछ तो पकड़ के दे देते हैं, तो ऐसे वाले को और ध्यान से देख लेना. ठीक है, इसके अलावा प्ले स्टोर पे काफ़ी एप्स हैं वैसे एंटोनिम सिनोनिम के लिए, बट मैं लास्ट डे में वो आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगी. लॉन्ग टर्म अगर आप CDS वगैरह के लिए प्रिपेयर कर रहे हो देन यू कैन डू दैट. You want geography tomorrow? I'll try if that, you know, if that kind of possible ho pata hai, toh I cannot promise. I'll let you know. Theek hai? Stay tuned to Inside SSB's Instagram and this thing. Safe score. Cut off ja sakti hai. Dekho, kaafi high jaane ke chances hai. 160, 165. Ab jaane lag gayi hai cut off. To aap 170 agar aapke sure hain, to bas ruk jana. Agar uske baad sure nahi hai, to bahut negative mat karna. Negative sabse zyada, I've been repeatedly telling you, ki negative sabse zyada hote hain English mein और यू नो रीजनिंग में हो जाते हैं वर्बल में, तो वहां पे कोई भी रिस्क मत लेना, उसके अलावा सब कर डालना. ठीक है, और कुछ? ऑलराइट, इट वाज नाइस बिकॉज ऑफ यू पीपल्स, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, एंड वट एवर योर डाउट इज शूट क्विकली इन द चैट सेक्शन. आई सी वैकेंसीज ज्यादा हैं, यस वैकेंसीज ज्यादा हैं इस बार, विच इज गुड. Let's see how that works out. What else? Anything else? Any specific question? CDS का भी we're planning something. We are actually planning something. So we'll let you know. ठीक है, कुछ अगर निकल के आता है, stay tuned. You're scared about GK Chirag? Don't be scared. I'm telling you, सिर्फ वैशाली मैम के जितने videos है वो देख लो. अभी हमने session में जैसे type of question solve किए वो देख लो. That is more than enough. ठीक है, I'm very sure कि इनमें से questions निकलेंगे ही आपके. Wikipedia is not a reliable source, Ragini. I am very sure about it. ठीक है, आई हैव बीन फॉलोइंग अ डेडिकेटेड बुक, और उसके हिसाब से मोहन सिंह का सिर्फ ब्रेन चाइल्ड है INA, एंड फाउंडर इज रश बिहारी घोष 1942. Wikipedia is not a reliable source. सॉइल्स क्लाइमेट फॉर ज्योग्राफी, नहीं नहीं उतना मत जाओ. ठीक है, अभी लास्ट में मत जाओ, वो CDS का फेवरेट है. येस येस ही इज स्वीटी, वो बस गलती हो गई थी थोड़ी सी उस टाइम पे ना, वो वहाँ पे सॉर्ट कर लिया था.
इंग्लिश के लिए आई एम टेलिंग यू, इंग्लिश में एरर डिटेक्शन वाले जब क्वेश्चन आएंगे उधर पे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट सबसे पहले देखना, फिर पार्ट्स में देखना, नाउन को देख लेना कि नाउन काउंटेबल अनकाउंटेबल के साथ क्या तुम वर्ब फॉर्म यूज कर रहे हो, टेंसेस देख लेना, तो ऐसे पार्ट्स में डिवाइड करके पहले तो एरर डिटेक्शन में जो भी सेंटेंस वहां दिया जाएगा ना पूरे सेंटेंस को एक बार अच्छे से पढ़ना, ठीक है, पार्ट्स में मत पढ़ना, पहले पूरा सेंटेंस पढ़ना, यू विल बी एबल टू मेक आउट द मीनिंग कि क्या वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं. सेम थिंग डू इन क्लोज टेस्ट एज वेल, दैट रीड दैट होल क्लोज इन वन गो सो दैट यू नो कि ओवरऑल टेंस क्या जा रहा है, ओवरऑल सेंस क्या जा रहा है, ठीक है. वंस यू आर एबल टू डू दैट आप आसानी से उसमें तोड़ तोड़ के ग्रामर लगा पाओगे, ठीक है. इफ यू हैव कंप्लीटेड ऑल द सिलेबस फीलिंग नर्वस इज क्वाइट नेचुरल, ठीक है, सो दैट इज फाइन. सो दैट वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड, यही इम्पॉर्टेंट थे मेरी तरफ से जीके में. आई होप दैट यू गॉट यू नो थिंग्स फ्रॉम दिस सेशन. यहाँ मैंने जैसे क्वेश्चन कराए हैं उस तरीके के सिमिलर क्वेश्चन प्लीज प्रैक्टिस कर लो और ज्यादा स्ट्रेस मत लेना, ठीक है. स्ट्रेस लेने लग जाओगे एग्जाम खराब हो जाएगा. मैथ्स में ट्रिक लग रही होगी तो ठीक है, नहीं तो नो द लॉजिक बिहाइंड थिंग्स, यू विल बी एबल टू सॉल्व इट. कोई क्वेश्चन अगर मैथ्स का पकड़ लिया 3 मिनट में वो खत्म करना है, दैट शुड बी योर गोल. 3 मार्क्स का उसको खत्म करना है, 3 मार्क्स वहां से लेके आने, दैट शुड बी योर गोल. ऑलराइट, सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय एंड एंड आई शुड टेक योर लीव नाउ. सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. गुड नाइट एवरीवन, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम.